ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे वीर महावीर प्रभु का नाम लेकर के आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि आज हम साइबर क्राइम और साइबर लॉ इस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वैसे तो बहुत सारी महिला संगठन हम सब साथ मिलकर कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से जीटो भाईखल्ला लेडीज विंग और जीवो साउथ मुंबई दोनों की महिलाओं ने बहुत उत्साह दिखाया है और इसमें पूरी तरह से मिलजुल करके हम ये प्रोग्राम को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब लोगों का सहयोग है। और जैसा आप जानते हैं कि आजकल जिस तरह से हमारे शरीर में खून दौड़ता है, उसी तरह हमारे जीवन में अब इंटरनेट दौड़ने लगा है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर हमारा जीवन इंटरनेट बिना हो तो कैसा जीवन होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे सांसों बिना जीवन कैसा होगा, सांस नहीं हो तो जीवन कैसा होगा। तो इसी सब चीजों की चर्चा करने के लिए कि ये इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, ये सब क्या बला है और किस तरह से हमको प्रभावित करती है और ये हमारे जीवन में कितना जरूरी है, ये सब बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच में साइबर लॉ के एक्सपर्ट श्री पंकज जी बाफना, जो कि इसी फील्ड में लॉयर हैं और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से इन्होंने डिग्री ली है साइबर लॉ की, और वहां पर कई बच्चों को ये अब इसकी शिक्षा भी देते हैं और उन्हें एक्सपर्ट भी कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इनके पिताजी की प्रेरणा रही थी कि बेटा तुम इस फील्ड में आगे बढ़ो। लेकिन आइए हम उनसे जानते हैं कि ये फील्ड कितना हमारे लिए उपयोगी है और कितना नहीं। लेकिन उससे पहले एक हम बहुत अच्छा सा नौकार मंत्र, जैसे कि परंपरा है कि कोई भी प्रोग्राम नौकार मंत्र से चालू करते हैं, तो जीटो भाई खल्ला द्वारा तैयार किया गया एक नौकार मंत्र का हम पहले वाचन हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आइए नौकार मंत्र से हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। Namo Lohi,
इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा नमो हरिहंता। तो ये थी एक छोटी सी झलक हमारे जीटो भाईखल्ला लेडीज विंग की ओर से प्रेजेंटेशन था, हमारे कार्यक्रमों की झलकियां, थोड़े से हमारे मेंबर्स का परिचय, और हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। मुझे खुशी है कि इस बीच हमारे बीच भाईखल्ला चैप्टर के प्रेसिडेंट श्री राकेश जी संघवी, श्री पृथ्वीराज जी कोठारी जीटो ग्वालियर टैंक से है, और श्री मदन जी मुथलिया जो हमारे पास प्रेसिडेंट है जीटो भाईखल्ला चैप्टर से, ये सब हमारे बीच है। ये बहुत बड़े गौरव का हमारे लिए क्षण है और मैं इन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए पंकज जी बाफना से हम बातें करते हैं। तो पंकज जी आप सुन रहे हैं, आपको आवाज रिकॉर्ड है? यस यस ममता जी। हाँ जी, तो मैं यही बात कर रही थी कि आजकल एकदम इंटरनेट का जमाना हो गया है, पूरी तरह से इंटरनेट छा गया है, तो ये कितना सही है और कितना गलत है या कितना जरूरी है आप बोल सकते हैं? अब आप डॉक्टर को पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन कितना जरूरी है। मेरे लिए तो इंटरनेट बहुत जरूरी है, चाहे वो सही तरीके से हो कि गलत तरीके से हो। बीइंग अ लॉयर और वापस साइबर में प्रैक्टिस करने के लिए तो मेरे को क्लाइंट चाहिए ना। प्रैक्टिकली जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, इंटरनेट आज एक नेसेसिटी हो चुकी है। 90% ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट्स बंद किए गए थे एक्सेप्ट इंटरनेट। इंटरनेट को एसेंशियल सर्विसेज में डाला गया था क्योंकि ये हमारे एक जीवन का भी एक बहुमूल्य ये पार्ट बन चुका है। आज हम जिस हिसाब से मीटिंग भी कंडक्ट कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। नहीं होता तो आज एक दूसरे से संपर्क करना, मिलना जुलना वो भी नामुमकिन हो जाता है ये 2-3 महीने में। तो इट इज अ बून, लेकिन हर चीज की अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। अब बुराई लेकिन इंसानों से ही शुरू होती है। टेक्नोलॉजी खुद बुरी नहीं होती, वो हम उसको बुरा बनाते हैं। जैसे गाड़ी चलाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसको ओवर स्पीड करके चलाना वो बुरी बात है, वैसे ही इंटरनेट का भी है। तो मैं तो उसको एक बून ये कंसिडर करता हूँ। तो उस जमाने में जब आपने साइबर लॉ पढ़ाई की, आपके पिताजी इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने कहा कि आप इस विषय को पढ़िए। तो लेकिन अभी के जो हमारे पिताजी होते हैं, जो जनरल न्यू कमर्स पिताजी जो होते हैं, वो बच्चों को दूर रखना चाहते हैं इंटरनेट से। तो क्या डिफरेंस है, सोच में डिफरेंस है या खतरा इतना बढ़ गया है? I'm sorry to say, वो because अभी generation का फर्क है, क्योंकि अभी जैसे मैं जिस जमाने से हूँ, I'm almost 50, तो आप गिन सकते मैं, और ये मेरी प्रेरणा मिली थी मुझे 94 में जब मैं IPS करके आया था, तो मुझे पिताजी ने बोला ये IPS और ये सब नौकर नहीं बनना हमें। उस टाइम पे हमारे कम्युनिटी में, जैन कम्युनिटी में, राजेश जी जैन, उन्होंने एक मिसाल कायम की थी जब उन्होंने सत्यम इन्फो और समाचार.com का शुरुआत की थी उन्होंने, और उनकी वेबसाइट 475 करोड़ में बेची गई थी उस टाइम पे 94 में। तो वो प्रेरणा मेरे पिताजी को मिली थी कि ऐसा कुछ कर जिससे एक नया चीज हो जाए। लेकिन और उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी, मिसयूज नहीं होता था, क्राइम नहीं होता था, टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझा जाता था। लेकिन आज जिस रफ्तार में आज के जनरेशन और हम भी उनके साथ में जिस हिसाब से दौड़ रहे, तो रफ्तार में हमेशा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसकी वजह से प्लस उतनी चीजें अवेलेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे। उस टाइम पे इंटरनेट कनेक्ट करना मतलब पिताजी का ध्यान होता था बिल के ऊपर, ये अभी इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं मेरे को लंबा चौड़ा टेलीफोन बिल आएगा, क्योंकि डायल अप फैसिलिटी थी उस टाइम पे। तो एक रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट और रेस्ट्रिक्टेड डेटा यूज करते थे, जो चीज जरूरत थी वही हम करते थे। लेकिन आज अनलिमिटेड हो चुका है, हम जो चाहे देख सकते हैं, अवेलेबिलिटी बहुत इजी हो चुकी है, प्राइवेसी का मैटर बहुत बाहर आ चुका है, प्लस बच्चे लोगों को जो है स्कूल एकेडमी हर चीज इंटरनेट के ऊपर हो चुकी है, तो हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यूज आती है, जो क्राइम रेशियोज अभी बढ़ने लग गए इंटरनेट के जरिए, हम अपने बच्चों को रेस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं कि वो कहीं मिस्टेकली भी, गलती से भी कहीं और डाइवर्शन में अगर निकल गया तो उसको वापस लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये डिफरेंसेस है दोनों जनरेशन के बीच में। करेक्ट। तो जैसे जब भी शुरुआत करते हैं, कोई भी नया फोन लेता है या स्मार्टफोन लेता है, तो सबसे पहले हम मैसेजेस,
वो चालू करते हैं, व्हाट्सएप चालू करते हैं, व्हाट्सएप पे फोटो चालू करते हैं, फिर चैटिंग चालू करते हैं। तो ये व्हाट्सएप कितना सेफ है, हमको लगता है कि हम एक ग्रुप के अंदर हैं तो हम बहुत सेफ हैं। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टेक्नोलॉजी कोई बुरी नहीं होती, हम किस तरीके से यूज करते हैं उसके ऊपर है। अभी जैसे मैं भी व्हाट्सएप यूज कर ही रहा हूँ, मेरे बच्चे भी व्हाट्सएप पे, मेरी वाइफ भी व्हाट्सएप पे, सब व्हाट्सएप पे है। लेकिन अभी मेरे घर में अगर देखेंगे तो हम प्राइवेसी इतनी है कि अगर फोन बजता भी रहेगा तो हम एक दूसरे के फोन नहीं उठाते। भले मुझे अगर मेरी गर्लफ्रेंड भी फोन करेगी तो मेरी वाइफ फोन नहीं उठाएगी। इतनी प्राइवेसी रखी हुई है क्योंकि उनको पता है कि खुद दुनिया को मार्गदर्शन दे तो गलत लाइन में नहीं घुसेंगे। तो व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा मीडियम है, इट इज अ वेरी गुड फैसिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल। कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है बाजू में ही हो। अब उसका अगर हमने मिसयूज करना शुरू किया तो फिर टेक्नोलॉजी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। आज व्हाट्सएप के जरिए पीपल आर अर्निंग, अच्छी नेटवर्किंग बनाते हैं। जैसे मैं भी हूँ, मैं व्हाट्सएप के जरिए मेरे क्लाइंटल तक पहुंच पाता हूँ, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स मुझे एक्सचेंज करने तो मैं व्हाट्सएप के जरिए कर सकता हूँ, फोटोग्राफ्स भी शेयर करने तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है क्या करना है, मैं कुछ भी उल्टी चीजें अगर उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट करूंगा देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। उसमें टेक्नोलॉजी को मैं ब्लेम नहीं कर सकता। तो व्हाट्सएप में भी जो है बहुत से मेरे पास जो केसेस आते हैं, एक ग्रुप के अंदर ऐसा कुछ डाल दिया, मिस्चीवियस पीपल, जो ग्रुप एडमिन होता है उसकी ड्यूटी होती है, जैसे अभी आप होस्ट हो इस पर्टिकुलर वेबिनार के, अब इस होस्ट में आपको सिर्फ मेरे से ही बात नहीं करनी है, आपको पार्टिसिपेंट्स की तरफ भी ध्यान देना है कि इस लिस्ट के अंदर कोई मिस्चीवियस ना हो। उसकी ड्यूटी होती है आपके ऊपर, होस्ट के ऊपर, वैसे ही एडमिन के ऊपर होती है कि ग्रुप में अगर एक भी बंदा गलत आया, एक मछली खराब आई तो पूरे तालाब को खराब करते, तो वैसे उस बंदे को निकाला जाता है। जब ये नहीं हो रहा था तो फिर बाद में कानून बनाया गया, अब कानूनन उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, कानूनन एडमिन उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो ये सारी चीजें व्हाट्सएप में है, खाली व्हाट्सएप नहीं, कोई भी सोशल मीडिया के अंदर देयर इज अ लीगल रेमेडी एज वेल एज पावर्स गिवन टू द एडमिन। एडमिन के पास क्या क्या पावर है, वो क्या कर सकता है, किसको भी ऐड करना है उसकी मर्जी है, उसे ऐड करना है कि नहीं करना है, कोई जबरदस्ती आपसे ऐड नहीं करवा सकते। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है, हम टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लेडीज लोग, थोड़ी सी लेडीज जैसे 8-10 बड़ी क्लोज फ्रेंड होती है, एक ग्रुप बना लेती व्हाट्सएप का, और फिर कई सारे ऐसे पिक्चर डालती जो शायद वैसे नहीं डालती वो, पर क्योंकि हम बहुत क्लोज फ्रेंड हैं तो हम डाल सकते हैं। तो क्या वाकई वो 10 लोग ही देख रहे हैं या कोई और भी देख रहा है उनके पिक्चर? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी बनाने वाले भी इंसान होते हैं और हर सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन से चलता है। आपको लग रहा है अभी हम जूम पे बातें कर रहे हैं तो 108 पार्टिसिपेंट ही है, आई एम सॉरी 108 नहीं है, 109 होंगे। एक बंदा जो होगा, जो जूम का एडमिन होगा, वो आप लोगों को देख सकता है, आपको सुन सकता है, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर सकता है। वैसे ही आप कोई भी सोशल मीडिया यूज करेंगे, एक बैकअप बनता है उसका, वो बैकअप जो एडमिन होता है उस पर्टिकुलर सर्वर का, वो आपके सारी चीजें देख सकता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है, प्लीज कोई भी चीज ऐसी शेयर मत कीजिए, कितने भी क्लोज हो, फिजिकल मिलके एक दूसरे के साथ शेयर कर लो, लेकिन टेक्नोलॉजी पे शेयर मत करो। वो कहीं ना कहीं अगर लीक हो गया गलती से भी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ जाएगा, बहुत बड़े प्रॉब्लम। बहुत से केसेस ऐसे हो चुके हैं, भेजना किसी और को था, पहुंच गया किसी और को, और फिर बाद में जब सर्कुलेशन में आ गया, सुसाइड्स भी हुए, बहुत सी चीजें हुई, जेल में भी गए हैं। तो इसलिए आई विल सजेस्ट, कोई भी पर्सनल चीजें कोई भी सोशल मीडिया पे शेयर ना करे, देयर इज अ थर्ड पर्सन वॉचिंग यू। तो इसमें एडमिन का कितना रोल होता है या एडमिन की क्या जिम्मेदारी होती है? समझो ऐसा कभी हो जाए तो अपराध किसका माना जाएगा, जिसने ऐसे चित्र भेजा, या एडमिन रिस्पॉन्सिबल है या क्या? जैसे अभी मैंने आपको बताया था, आप इस मीटिंग के होस्ट हो, अगर इसके अंदर कुछ भी नोटोरियस एक्टिविटी होती है या कुछ मिस्चीवियस एक्टिविटी होती है तो सबसे पहले होस्ट को रिस्पॉन्सिबल गिना जाता है, क्योंकि होस्ट की रिस्पॉन्सिबल लीगल टर्म्स। अभी जैसे सब लोगों ने व्हाट्सएप डाउनलोड कर दिया होगा, मैं 1001 का बोलता हूँ, किसी ने भी उसके लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़े होंगे, किसी ने भी नहीं पढ़े होंगे। फेसबुक के ऊपर सब लोग होंगे, कोई भी उसका लीगल टर्म्स नहीं पढ़ा होगा, उसके अंदर सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की चीजें मेंशन की हुई रहती है और करना रहता है कंपलसरी हर कंट्री का। अगर आप व्हाट्सएप के, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, उनके टर्म्स कंडीशन डिस्क्लेमर्स पढ़ेंगे, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई भी चीज अनवांटेड चीज सर्कुलेट हुई है देन द एडमिन और द सेंडर is responsible as per WhatsApp Act. तो और हर कंट्री का कानून अलग होता है,
हमारे देश में भी एडमिन्स को अरेस्ट किया गया है बहुत जगह पे, क्योंकि एडमिन का रोल होता है प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल, ही हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर अभी बहुत से इसके जब हम ये सजेशन देते हैं एडमिन रिस्पॉन्स, तो सबको एडमिन बना देते हैं, ग्रुप के अंदर 15 लोग है तो 15 के 15 एडमिन। हाँ जी, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि एडमिन बहुत बड़े खतरे में होता है हमेशा, और हर लेडीज चाहती है कि वो ग्रुप की एडमिन बने। तो मेरे ख्याल से अब ये जो शौक है एडमिन बनने का, ये थोड़ा कम हो जाएगा ऐसा लगता है मेरे को समझ के। यस, अभी जैसे अभी ये कोविड का एग्जांपल देता हूँ, अभी इस 2 महीने के अंदर हमने कम से कम मैं पर्सनली मैंने 117 और 118 करीबन लोगों को अरेस्ट करवाया है, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है एडमिन जो रहता है ग्रुप के अंदर, हमने फिल्ट्रेशन डाला हुआ है बॉम्बे पुलिस की तरफ से, और बॉम्बे पुलिस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया है कि अगर किसी ने भी किसी भी इंसान के बारे में उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट या कुछ भी बारे में सर्कुलेट किया ग्रुप के अंदर भी, तो इमीडिएटली एडमिन को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है, और वो हमें पता चल जाता है कि ये इस मोबाइल नंबर से इस पर्टिकुलर मैसेज का सर्कुलेशन हुआ है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल पंकज बाफना इज फाउंड कोविड पॉजिटिव, अगर ये कोविड वर्ड अगर आया और पॉजिटिव वर्ड आया तो फिल्ट्रेशन अलर्ट कर देता है बॉम्बे पुलिस के सर्वर को, और मोबाइल नंबर हाईलाइट हो जाता है, और फिर उस मोबाइल के जरिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो ग्रुप एडमिन को फिर नोटिस भेजा जाता है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। तो ये है इन्वेस्टिगेशन का तरीका। तो एडमिन बी अलर्ट, आप बच नहीं सकते। समझो कोई अपने विरुद्ध कोई व्हाट्सएप पे कुछ लिख देता है या आपत्तिजनक चित्र हमारे कहीं से लेके भेज देता है, तो जो यूजर है उसको क्या रेमेडी, मतलब उसके लिए क्या है कि कहाँ जाए, किससे शिकायत करे, या अपना अंदर ही अंदर घुटते रहे, या किससे बोले? नहीं, अभी जैसे विक्टिम हो गया, वो यूजर नहीं हुआ, वो विक्टिम हो गया। अभी सबसे पहले तो जब आप कोई भी टेक्नोलॉजी की चीजें यूज करते हो तो उसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो, तो अगर व्हाट्सएप के अंदर आपके साथ में कुछ आपके अगेंस्ट में कुछ चीजें हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप में हमें सबसे पहले कंप्लेन करनी है, पुलिस के पास बाद में जाना है, पहले आपको व्हाट्सएप कंपनी के पास जाना है। फेसबुक में होगा तो फेसबुक को कनेक्ट करना है, इंस्टाग्राम में हो तो इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सोसाइटी में कुछ इश्यू होता है तो हम सबसे पहले सेक्रेटरी चेयरमैन के पास जाते हैं, वैसे ही। लेकिन अभी सबको अगर प्रॉब्लम होती है बोलते व्हाट्सएप में मैं कहाँ ढूंढने बैठूंगा, व्हाट्सएप किधर है, उनके ऑफिस किधर है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर ही हर नोडल ऑफिसर का नंबर होता है। हर नोडल ऑफिसर एक ऑफिसर होता है जिसे कंपनी एज वेल एज द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के मीडियम बनाया जाता है, कंट्री का लॉ है ये, तो नोडल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी कंप्लेंट सुनना। इमीडिएटली आपको उसको ईमेल करना है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा चित्र सर्कुलेट किया गया है। वो नोडल ऑफिसर आपसे सिर्फ उसका एक प्रूफ मांगेगा जो आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजना है, उसके बाद उसकी ड्यूटी होगी वो ढूंढेगा किसने भेजा है, और वो लेकिन आपको नहीं बताएगा, उसके लिए आपको एक पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ती है। पुलिस का जो एप्लीकेशन होता है या FIR कॉपी होती है वो आपको उस नोडल ऑफिसर को अटैचमेंट करके भेजना है, तो वो नोडल ऑफिसर उस पुलिस ऑफिसर को डिटेल भेजा जाएगा कि इस पर्टिकुलर नंबर से ये फोटोग्राफ भेजा गया था, ये एक प्रोसीजर होता है। ओ, तो व्हाट्सएप से डरना चाहिए या अपन इसको फ्रेंडली भी बना सकते हैं? फ्रेंडली ही है ये, डरने जैसा कुछ है ही नहीं उसके अंदर, ये कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो गया, प्रॉब्लम वो है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो आजकल व्हाट्सएप थोड़ा उससे आगे भी बढ़ गए हैं लोग, जैसा आपने बताया कि फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, तो ये सब कैसे अलग अलग है आपस में, क्या है फेसबुक क्या है ट्विटर? जैसे अगर आप देखेंगे, अगर फेसबुक की हिस्ट्री अगर आप आपके बच्चों को पूछेंगे तो उनको बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखो तो वो हमारे टाइम पे फेसबुक बना हुआ है, ऐसे नहीं कि आज बनाया है ये सब चीजें इन्वेंट हुई है हमारे टाइम पे, इन द ईयर 85 to 95 के बीच में इन्वेंट हुई है, लेकिन यूज कर रहे आज की जनरेशन। अच्छा, तो अगर आप देखेंगे फेसबुक बनाया गया था एक यूनिवर्सिटी के लिए, जहां बिकॉज यूएस में अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी जगह पे होती है, वो अपने मुंबई या इंडिया जैसे नहीं होते कि एक ही कैंपस में, वो बहुत बड़े प्लॉट के ऊपर फैले हुए रहते हैं, तो टीचर्स को कनेक्ट करने के लिए फेसबुक बनाया गया था, इट वॉज ऑन इंटरनेट फैसिलिटी, इंटरनेट नहीं, इंटरनेट के लिए बनाया गया था, लेकिन जो मार्क जो ओनर ऑफ फेसबुक है उसने उसका मिसयूज किया, उसको बाहर की पब्लिक के लिए एक्सेस दे दिया, और आज आप देखिए वो कहां पहुंच चुका है, जिसके लिए उसको 6 महीने की सजा भी हुई है, ही वॉज इन जेल इन US, क्योंकि उसने उस कानून का उल्लंघन किया था, लेकिन किसी को भी पता नहीं था, क्राइम ऑल्सो पेज समटाइम, तो उसको 6 महीना बहुत अच्छा लगा, आज वो जिस लेवल पे है। तो फेसबुक एक कनेक्टिविटी का जरिया है,
जैसे प्रिंट मीडिया है वैसा फेसबुक है, आप कोई भी चीज अच्छी चीजें डालिए उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अकाउंट क्रिएट करते वक्त पोस्ट करते वक्त उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एक इंसान ही चलाता है, तो आप उसके सिक्योरिटी ऑप्शंस में जाके आप उसको डिसेबल कीजिए, जो चीज आप शेयर करना चाहते हो व्यू ओनली कीजिए, जिसको आप बताना वो ही देख सके, डोंट कीप इट ओपन फॉर जनरल पब्लिक, क्योंकि मैं कहता हूं ना 100 में से अगर एक भी गलत इंसान अगर आया वो पूरे उसको माहौल खराब कर देगा। तो फेसबुक में वो फैसिलिटी है, ट्विटर इज जस्ट फॉर, ट्विटर को हमने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ऑफिशियल हैंडल बनाया गया है फॉर सेंडिंग एनी कंप्लेंट्स टू द इंडियन गवर्नमेंट एनी डिपार्टमेंट। तो ट्विटर के अंदर आप इतनी फैसिलिटीज नहीं है, इट इज जस्ट अ कम्युनिकेशन मैसेजिंग सर्विसेज है जैसा है। सबसे बेस्ट प्रोफेशनल के लिए है लिंक्डइन, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता है 50% लोग भी होंगे, लेकिन अगर आप आज के जनरेशन में बोलो प्रोफेशनल, इट इज द बेस्ट पोर्टल फॉर कनेक्टिंग सोशली। उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन है, आप कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते, आपका फिल्ट्रेशन होता है वो सिर्फ कमर्शियल रीजन के लिए ही होता है, क्या आप प्रोफेशनली क्या चीजें डाले उससे ही कनेक्ट कर सकते हो। रहा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के अंदर हर सर फैसिलिटी है, अभी वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी भी है, ग्रुप कॉलिंग फैसिलिटी भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। अभी एट प्रेजेंट अगर आप 2 दिन से देखेंगे तो व्हाट्सएप अपग्रेड हो रहा है, सबके प्राइवेसी ब्लॉक कर दिए गए हैं, यू कैनॉट चेंज एनी ऑफ योर प्राइवेसी सेटिंग्स, क्योंकि अभी व्हाट्सएप सारे पूरा यूएन के रूल्स के हिसाब से, देयर इज वन पर्टिकुलर इंटरनेट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मड इन द होल वर्ल्ड, उसके रूल्स के हिसाब से वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना रहा है कि कोई भी अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कोई मैसेज फॉरवर्ड किया और मैं फॉरवर्ड करते जा रहा हूँ, ओरिजिनल जिसने भेजा उसका नंबर हाईलाइट नहीं होता है, हमें ढूंढना पड़ता है ये ओरिजिनल कहां से आया। लेकिन अभी इन नियर फ्यूचर 15-20 दिन के बाद जितना भी फॉरवर्ड होगा ओरिजिनल नंबर साथ में जाएगा, ये इस आदमी ने ये मैसेज टाइप किया था या इस आदमी ने ये फोटोग्राफ अपलोड किया था, तो वो इमीडिएटली वो पकड़ा जा सकता है। तो बहुत सावधानी भी रखना चाहिए। और ये फेसबुक पे जो हम तरह तरह के मुंह बना बना के फोटो डालते हैं, स्पेशली लेडीज लोग, या कोई साड़ी पहनी या कहीं खाना खाने गए तो वो पूरा डिटेल डालते हैं, फिर खूब सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, क्योंकि उसमें भी होड़ होती है कि मेरे फ्रेंड्स कितने, तेरे फेसबुक फ्रेंड्स कितने हैं। तो ये क्या है, ये कहाँ सावधानी रखनी चाहिए कि ये चलते रहना चाहिए? देखिए जैसे अभी आपका सबसे पहले था कि सब मुंह बना के फोटोग्राफ लेते हैं, वो तो अभी कोविड ने बंद करवा दिया, तो अभी वो तो होगा नहीं, सब मास्क पहन के बैठे हुए रहेंगे तो अभी तो कोई वो सेल्फी लेके क्लिक करेगा नहीं, प्लस खाना बाहर 4-5 महीने तक तो अभी कोई बाहर जाके रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएगा, पोस्ट करेगा नहीं, तो कुदरत ने अपने वो 4-5 महीने के लिए तो शांति दे दी उस चीज की। अब रहा इसके अंदर फेसबुक के अंदर एक सबसे बड़ा इश्यू होता है और स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए, कि हम लोग सिर्फ क्रिएट कर, हम यूज करना जानते हैं विदाउट नोइंग द एप्लीकेशन, उसकी सिक्योरिटी क्या है। अभी जैसे 3-4 दिन से मेरे पास केसेस आ रहे हैं, ये फेसबुक के फेक प्रोफाइल बनते हैं और कॉन्टैक्ट्स मर्ज हो जाते हैं आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल ममता जी का फेसबुक का जो है 400 कॉन्टैक्ट है और रेनी सुराना उनका 400 कॉन्टैक्ट है, 800 प्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं और टाइमर रहता है 2 घंटे के लिए वो ममता सुराना का प्रोफाइल बन जाएगा, 2 घंटे के लिए वो रेनी सुराना का प्रोफाइल बन जाएगा, तो इसमें पता भी नहीं चलता कौन कम्युनिकेट कर रहा है इसके अंदर। ये 2-3 दिन से ये एक्टिविटी हो रही है फेसबुक के ऊपर, इसकी कंप्लेंट्स भी बहुत गई है एट प्रेजेंट। तो हमें सिक्योरिटी ऑप्शन है, वी शुड नॉट कीप इट ओपन फॉर पब्लिक। फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स को भी एक लिमिटेशन दिया जाना चाहिए कि ओनली व्यू या कुछ भी है, फोटोग्राफ डाउनलोड करने के परमिशन फ्रेंड्स को भी नहीं देनी चाहिए, उसके अंदर फीचर्स है, हमें सिर्फ थोड़ा जाके उसको स्टडी करना है, आधा 1 घंटे में स्टडी कीजिए उसके बाद अपलोड कीजिए, प्लस अनवांटेड फोटोग्राफ्स मत कीजिए अपलोड, पर्सनली जो पर्सनल फोटोग्राफ होते हैं वो तो मत डालिए, फैमिली फोटोग्राफ भी हो सके उतना मत डालिए, आपको आपका कुछ मैसेज या इन्फॉर्मेशन पास आउट करना है पब्लिक को सिर्फ वही कीजिए, डोंट शो टू द पब्लिक कि आपके घर में कौन कौन है, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो प्राइवेसी होती है, उसे अगर आप खुद ही भंग करोगे, एंड हैकर्स आर मोस्ट स्मार्टर, दे आल्सो अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर पीपल, वो पेनेट्रेट करके आप ही का फोटोग्राफ मिसयूज करेंगे, मॉर्फिंग करेंगे और सर्कुलेट करेंगे, जिसमें आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। करेक्ट है, कई लोग ऐसे होते हैं कि लगातार अपने को फेसबुक फ्रेंडशिप भेजते रहते हैं,
कि एक्सेप्ट करे तो वो रहती लड़की है, लेकिन कभी आपको उससे धोखा भी मिलता है या मालूम पड़ता है कि ये फेक प्रोफाइल था उसका, तो ये कैसे पहचानना चाहिए कि ये जो हमारे पास फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट है वो सही है गलत है, इसको एक्सेप्ट करें ना करें, क्या करें? सबसे पहले जरूरी नहीं है अगर लड़की का फोटोग्राफ डाला तो वो लड़की ही होगी, वो लड़का भी हो सकता है, तो इसलिए इमीडिएटली डोंट एक्सेप्ट। म्यूचुअल फ्रेंड्स देख के तो कभी भी एक्सेप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि फेक प्रोफाइल होगा तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स को भी एक्सेप्ट किया हुआ रहता है उसने। आपको अगर किसी को एक्सेप्ट करना है, जब तक आप उसको जानते नहीं हो एक्सेप्ट मत कीजिए। अगर नहीं जानते हो लेकिन आपको उसको कनेक्ट करना है तो सबसे पहले मैसेंजर में जाइए, उसको पर्सनल मैसेज भेजिए एक्सेप्ट करने से पहले कि हाउ डिड यू गेट कनेक्टेड विथ मी, उससे थोड़ी जानकारी ली, लेकिन पर्सनल चैटिंग में मत घुसिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, पर्सनल चैटिंग शुरू हो जाती है। एक लिमिटेशन पे रखिए कि मेरा सबसे पहले कॉन्टेक्ट आपके पास आया कहाँ से, किसके रेफरेंस से आप मुझे भेज रहे हो, मैं आपको जानती नहीं हूं। अगर उसके क्वेश्चन आंसर्स थोड़े वियर्ड हुए तो ब्लॉक कर दीजिए, इमीडिएटली एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि मुखवटे होते हैं इंटरनेट पे, चेहरा किसी और का और बैकएंड में कोई और होता है। तो ब्लॉक करने के बाद भी वो क्या हमारे पास फिर से कनेक्ट हो सकता है किसी जरिए से? से नहीं हो सकता है, अगर वो कोई दूसरा ईमेल आईडी क्रिएट करके अगर आए तो हो सकता है। अच्छा, तो कहते हैं फेसबुक बहुत इजी निशाना है महिलाओं को निशाना करने के लिए, बहुत इजी जरिया है, क्योंकि हम खुद ही हम उनको दावत देते हैं, प्रॉब्लम वो है। ओके, तो कैसे इसको सुरक्षित कैसे करें, कैसे अपन सेफ? मैं बता रहा हूँ, प्राइवेसी सबसे पहले, प्राइवेसी, हम सब प्राइवेसी की बातें करते हैं, गवर्नमेंट ने आधार निकाला हम प्राइवेसी की बातें करते हैं, लेकिन जब फेसबुक की चीजें आती है तो हम खुद ही शेयर करते हैं उसको। जितना शेयर न करो, जितनी चीजें जो जानकारी वाली चीजें वही डालो, पर्सनल चीजें मत डालो जहां तक। और प्लस सबसे पहले फेसबुक अकाउंट में अगर किसी ने भी मोबाइल नंबर डाला है तो प्लीज निकाल दीजिएगा, डोंट एंटर योर मोबाइल नंबर, कंपल्सरी। प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मत डालिए, बिकॉज सबसे मेन चीज आपका क्रूशियल डेटाबेस होता है डेट ऑफ बर्थ। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है हमारे पास कि अगर मुझे किसी की कुंडली निकालनी है, सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ और फर्स्ट नेम डाल दूंगा तो मुझे उसकी पूरी कुंडली मिल जाएगी, उसका आधार नंबर, उसका पैन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मत डालिए, अगर डालना है तो ओनली मंथ एंड डेट, ईयर मत डालिएगा। Okay. ये थोड़ी सिक्योरिटी हमें फॉलो करनी है। ओके, तो इसमें कुछ सजा का प्रावधान है हमारी सरकार की तरफ से कि अगर कुछ ऐसे अपराध होते हैं तो? यस, इसके अंदर है कि अगर सपोज कोई वायलेशन होता है या कोई क्राइम कर बैठता है, आपका प्रोफाइल पिक बना देता है, फेक आइडेंटिटी बनाता है, तो इंडिया के अंदर, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, कानून है, जिसके अंदर प्रोविजनल दिए गए हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर उस बंदे को ये सजा दे सकते हैं। इसमें तीन साल से लेकर 10 साल तक की सजाएं हैं। अभी अगर, लेकिन इसके अंदर अगर कोई ऑब्सीन मटेरियल शेयर किया या किसी ने ऑब्सीन मटेरियल बनाया तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है। प्लस हमारा दूसरा कानून आईपीसी, इंडियन पेनल कोड तो है ही, जिसके अंदर हम पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन कुछ कानून की जानकारी रखना हमें भी जरूरी है। जैसे मैंने अपने जियो के अभी कॉन्फ्रेंस में बताया था, हम जब गाड़ी चलाते हैं सिर्फ ड्राइवर को नहीं पता होता, पैसेंजर को भी पता होता है रेड सिग्नल का मीनिंग क्या है, ग्रीन सिग्नल का मीनिंग क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग का मीनिंग क्या है। वैसे ही जब हम साइबर में बैठे हैं तो हमें भी थोड़ा कानून का जानकारी होना जरूरी है, ताकि हर बार आप पुलिस स्टेशन का सहारा नहीं लेना है, हम खुद सामने वाले को थोड़ा अलर्ट कर सकते हैं कि भैया अगर तूने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की तो मैं तेरे को साइबर कानून के इस प्रोविजन के अंदर तेरे को मैं अंदर डलवा दूं। तो ऑटोमेटिकली वो डर जाएगा कि इस लेडी को तो यार कानून की जानकारी है, टारगेट छोड़ दो। ओके, लेकिन कभी ऐसा फंस गए या हमने खुद गलती कर दी तो ये बोल के छूट सकते कि भाई हमको तो लॉ पता ही नहीं था, ये तो बच्चा है या ये तो बुजुर्ग है, इनको क्या मालूम, तो ऐसा कुछ छूट मिलती है? नहीं, ये दुनिया में कहीं पे भी छूट नहीं है, इग्नोरेंस को कोई ये नहीं दिया जाता है, इसलिए कानून में कोई एज नहीं होती है, भले वो 15 साल का बच्चा हो या 70 साल के बुजुर्ग हो, अगर क्राइम किया है तो उनको पनिशमेंट मिलनी ही है। ये नहीं कह सके कि भाई मुझे जानकारी नहीं थी, वो हम नहीं कह सकते। करेक्ट है,
तो फेसबुक, अभी बच्चे, आजकल के बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अरे आप लोग किस दुनिया में हो, फेसबुक यूज करते हो, आप ट्विटर पे आओ, ट्विटर पे आओ. तो ट्विटर कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे फिल्मी लोग बहुत ट्विटर पे होते हैं, एक दिन लिखते हैं, दूसरे दिन उसको मिटा देते हैं, फिर तीसरे दिन लिखते हैं, तो आवेश में किया गया बयान जिसको बोलते हैं, तो ये ट्विटर क्या वैसी चीज है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा, फिल्मी दुनिया से तो जितना पीछे रहो उतना अच्छा है, क्योंकि वो खुद नहीं लिखते, उनकी पीआर एजेंसीज होती है, पब्लिक रिलेशंस एजेंसीज होती है, जो डिजिटल मार्केटिंग संभालते हैं, उन्हें दिया जाता है, वो लोग बनाते हैं ट्विटर हैंडल्स के अंदर मैसेजेस, कमेंट्स बना के पोस्ट करना. और फ्रेंकली बताऊं, सबकी सुनवाई नहीं होती है, उधर भी ग्रुप्स चलते हैं, इसलिए किसी ने डाल दिया तो हम भी डालेंगे, वैसा नहीं, मत कीजिए. आपके जरिए जो है वही यूज कीजिए, किसी को फॉलो मत कीजिए. और ट्विटर इज जस्ट अ कम्युनिकेशन, ट्विटर फेसबुक जैसा नहीं है, विपरीत है पूरा. फेसबुक इज अ बिग प्लेटफॉर्म, फेसबुक आपको सारे पूरे घर है जिसके अंदर 3 bedroom 4 bedroom सारे रूम्स है, ट्विटर के अंदर वो सब चीजें नहीं है. ट्विटर इज जस्ट, एंड प्लस ट्विटर के अंदर बिकॉज गवर्नमेंट हैंडल है तो आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन ज्यादा होती है. तो थोड़ा सेफ भी माना जा सकता है. Yes, but it is only communication. Communication के लिए ठीक बात है. आजकल ईमेल का भी बहुत महिलाएं यूज कर रही है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं वर्किंग हो गई है, तो बहुत सारी चीजें वो ईमेल से शेयर करती है, और वो ये सोचती है कि एक ही को भेजा है तो एक के साथ ही शेयर हुआ है. तो क्या ये ऐसा ही है कि हमने एक को ईमेल किया तो एक नहीं देखा है? नहीं, अभी ईमेल के ऊपर मैं आपको मेरा एक बहुत बड़ा केस है, अगर आप गूगल करोगे भी पता चल जाएगा. इट इज नोन एज साइबर स्टॉकिंग. कि एक लेडी थी, शी इज अ 29 ईयर ओल्ड गर्ल, डायरेक्टर ऑफ अ बिटकॉइन कंपनी, ब्लॉकचेन कंपनी. उसको 2015 से उसको मैसेजेस आते थे टाइमलाइन के, उसके फेसबुक टाइमलाइन पे प्लस व्हाट्सएप पे ऊपर भी. अगर उसने सोचा है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इमीडिएटली उसको कोई फ्रेंड मैसेज करता था कि व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू द वॉशरूम व्हेन यू वांट टू गो. अगर उसको कॉफी पीनी है तो इमीडिएटली फेसबुक के ऊपर उसको कॉफी का पिक्चर आ जाता था और सेंडर उसको बोलता था लेट्स गो फॉर अ कॉफी. मतलब जो वो सोचती थी वो सारी चीजें उसको मैसेजेस में कन्वर्ट किया जाता था, उसके साथ में बातें की जाती थी थ्रू मैसेजेस. 4 साल वो इतनी परेशान हुई कि वो उसकी प्राइवेसी पूरी तरह से भंग हो चुकी. सपोज अगर वो उसके किसी फ्रेंड को मिलना चाहती है तो उसी नाम का फ्रेंड, कोई फ्रेंड उसको कॉल करता है या मैसेज करता है. शी ट्राई टू कमिट सुसाइड ट्वाइस. इन्वेस्टिगेशन हुआ, हमने FIR करवाई, तब बाद में पता चला उसका ईमेल कॉम्प्रोमाइज हुआ था. क्योंकि आप सर्च सब चीजें बंद करके सोते हो, रात को वाईफाई बंद करते हो, व्हाट्सएप बंद करते हो, ट्विटर हैंडल सब कुछ बंद करते हो एक्सेप्ट योर ईमेल. ईमेल से कोई लॉग आउट करता नहीं है, सिंक्रोनाइज मोड में ही रखा जाता है. और आप खुद देखिए, ईमेल जहां भी जाते हो, अब आप जूम पे भी बातें कर रहे हो तो आपके ईमेल के अंदर उनको पता होगा कि राइट नाउ यू ऑन जूम ऑन दिस पर्टिकुलर IP. तो ईमेल इज द वर्स्ट, इसलिए कभी भी एक हैबिट रखिए, अगर ईमेल है तो लॉग आउट कीजिए. मोबाइल में भी है, लॉग इन लॉग आउट का एक आदत डाल दीजिए, उसको सिंक्रोनाइज मोड में मत रखिए. हम फैसिलिटीज देखते हैं कि पासवर्ड भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाए, उससे जब पासवर्ड भूल जाएंगे चलेगा. ओके. तो ईमेल में भी बहुत सावधानी की जरूरत है. कई तो डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं, कई अपनी पिक्चरें उसमें सेफ है कि भाई मैंने एक कोई भेजा है, कोई देख तो नहीं रहा है, पर्सन टू पर्सन ईमेल चलता है. ये हमारी गलत फहमी है एक्चुअल में, वो भी किसी के द्वारा देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है. एक और चीज है कि हम ईमेल आईडी आसानी से सब तरफ छपाते हैं, हर किसी को बांट देते हैं. अगर इसमें इतनी तकलीफ या खतरा है तो हम ऐसा क्यों करते हैं? अभी देखिए, सबसे पहले एक कहावत थी हमारे टाइम पे, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन. ये सारी चीजें फ्री होती है, हम कोई पेड वर्जन में नहीं जाते. अभी सबके पास मोस्टली, आज की तारीख में मोस्टली जीमेल सब ज्यादा यूज करते हैं. अगर मैं अगर अभी सब सारी ऑडियंस को अगर पूछूं कि कितने लोगों ने जीमेल का पैसा भरा है, ईमेल यूज करने का पैसा भरते हो क्या? मुझे नहीं लगता एक भी बंदा हाथ उठा. आई मीन अ वुमेन्स ग्रुप. कैप्शन है. अगर फ्री है तो ये पेमेंट का क्यों रखा गया? बिकॉज दैट इज अ प्रोफेशनल वर्जन, उसके अंदर सिक्योरिटी मेजर्स ज्यादा है. तो ईमेल्स और ईमेल्स का सबसे ज्यादा ईमेल के जरिए ही क्राइम हो रहा है,
साइबर का क्राइम सबसे ज्यादा ईमेल्स के जरिए होता है। ओके, तो फिर क्या करना चाहिए, ईमेल आईडी देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, लेकिन सेग्रीगेट कीजिए। जैसे अभी अगर फाइनेंशियल अगर आपको रखना है आपके बैंकिंग अकाउंट्स के लिए तो एक अलग ईमेल आईडी बनाइए, आपके पर्सनल अगर रखने हैं तो उसको अलग ईमेल आईडी रखिए, 3-4 ईमेल आईडी बना के रखिए, लेकिन मिक्स मत कीजिए। अगर पर्सनल में ही आपका बैंकिंग फाइनेंशियल और सब मिक्स करोगे तो अगर हैकर ने अगर एक भी ईमेल कॉम्प्रोमाइज कर दिया उसको तो आपकी सारी डिटेल उसके पास पहुंच जाएगी। आजकल ये एक बहुत तरह तरह के ऐप आ गए हैं जो कि काफी उपयोगी भी होते हैं, खूब सारे ट्यूटोरियल भी चलते हैं, तो हम फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं वो सारे ऐप्स को कि चलो फोटोशॉप कर लेते हैं, वीडियो शो बना लेते हैं, तो ये ऐप कितने सेफ होते हैं? सबसे पहले तो ऐप्स का मीनिंग क्या है, मैं आप ही को पूछता हूँ, चलो मैं दूसरों को बाद में पूछूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐप? बस कोई चीज अगर हमको जाननी हो या उसको सीखनी हो तो उसके लिए एक हमारे पास टूल्स आ जाता है, एक ऐप आ जाता है, एप्लीकेशन, कि इसके अंदर जाएंगे तो हमको सब सुविधा मिल जाएगी और हम वो सामान बना लेंगे जो हम चाहते हैं। अभी एग्जांपल में अभी आपको जस्ट पूछना चाहता हूँ, आपके पास कौन से ऐप्स है मोबाइल के अंदर, कोई भी एक ऐप बता दीजिए जो सबके पास मिले। वीडियो शो है जिसमें मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती रहती हूँ। ओके, टिकटॉक है, और भी बहुत सारे हैं जैसे पिक्स आर्ट है, और हम तो ये आशा मैम से सीखते हैं, आशा कुलकर्णी बहुत अच्छी टीचर है हमारी, ये सब सिखाती हैं, तो हम उनसे भी काफी कुछ ऐप्स के बारे में सीखते रहते हैं, और जो भी ऐप हमको अच्छा लगता है, रियाज है भाई, संगीत का शौक है तो चलो रियाज कर लेते हैं, तो वो डाउनलोड कर लेते हैं, gaana.com सब ऐसा डाउनलोड करते जाते हैं, काफी अच्छा भरा हुआ फोन है मेरा। हाँ नहीं, अभी जैसे मैं अभी ये सभी आपके हॉबीज के हिसाब से ही मिलेंगे, अभी जो सबके पास कॉमन प्लेटफॉर्म में होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू कॉलर है, करेक्ट है, ट्रू कॉलर मिलेगा, कैम स्कैनर मिलेगा, एम इंडिकेटर मिलेगा, ये सारी चीजें नॉर्मल फोन के अंदर भी मिलेगी। अब कभी एप्लीकेशन ये गूगल प्ले स्टोर में, या अगर आईफोन होगा तो आपको आई क्लाउड पे जाना पड़ेगा, कभी देखा है उसको, अगर आप जब ऐप डाउनलोड करते हो इमीडिएटली जाके आप इंस्टॉल कर देते हो उसको, उसको कभी जाके उसके भी टर्म्स कंडीशंस क्या, डेवलपर का कभी डिटेल पढ़ा है कि ये किसने बनाया है? कभी नहीं, कोई नहीं पढ़ता किसने बनाया है, कौन सी कंट्री में ओरिजिनेटेड है, इसके पीछे बैकएंड में कौन है, उसका टर्म्स कंडीशंस क्या है, एप्लीकेशंस 15 मिनट में एक एप्लीकेशन बनता है, 15 मिनट में, क्योंकि उसके अंदर कोई मेहनत ही नहीं है, सॉफ्टवेयर से जरिए बनता है, बैकएंड में डेटाबेस नहीं है उसके अंदर, इसलिए सिक्योरिटी वाइज इट इज जीरो। वही ऐप डाउनलोड करो जो आपको रिक्वायर्ड है, और जब आप ऐप डाउनलोड करते हो सारे परमिशन मांगता है आपसे। हाँ जी, तो कभी डिनाई करने की कोशिश की है कि नहीं दूंगी परमिशन? नहीं तो वो फिर नहीं देता है ना, आगे एक्सेस ही नहीं करता। क्यों, कभी सोचा है? हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, कभी सोचा है कि भैया एक तो फ्री दे रहा है, वापिस सेकंडली अगर हम ना बोलते कि हम ये तुझे नहीं देना चाहते, अगर मैं अभी इधर सबको बोलूं कि प्लीज आप लोग सबका मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए, देंगे क्या? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, जबकि आप मेरे को जानते हो, इजी तरह से पकड़ भी सकते हो आप मुझे अगर मैंने कुछ मिसयूज किया, तो फिर भी आप मुझे नहीं देंगे, और एप्लीकेशन को आप इमीडिएटली सारी परमिशन दे देते हो जाने बगैर कि ये किस चीज का है, कहाँ पे लोकेटेड है, फिर वो आपसे परमिशन मांग के आपका मोबाइल का सारा एक्सेस लेता है, और इनडायरेक्टली अगर कोई एक भी बंदा एप्लीकेशन जो वायरस फिटेड हो वो आपकी सारी सारी डिटेल्स ट्रांसफर कर देगा, और सबसे पहले अटैक करते हैं वो लोग गैलरी और कॉन्टेक्ट पे। करेक्ट, आपको लगता है वो फोटोग्राफ सिर्फ आप ही के गैलरी में है? नहीं, वो दूसरे के पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो इसलिए एप्लीकेशन वही डाउनलोड करो जो आपको रिक्वायर्ड है। करेक्ट। एक छोटा सा और था कि आजकल जूम बहुत चल रहा है, जैसे अभी भी हम जूम पे हैं, तो ये जूम के लिए बहुत लोगों में अलग अलग प्रकार के विचार हैं कि जूम ऐसा है, जूम वैसा है, जूम का बायकॉट करो, तो एक्चुअल में क्या है जूम और कितना हमारे लिए रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्या है चीज जूम? देखिए अभी सबसे पहले मैं बताऊं, मार्च से पहले मुझे नहीं लगता किसी को जूम क्या था पता भी था। करेक्ट, आई डोंट थिंक जूम क्या है, लेकिन अभी सडनली फिर जूम पे आने लग गए, और एक न्यूज, एक बैड न्यूज आ गई बाहर कि जूम के इज अ चाइनीज ऐप, आपकी सारी प्राइवेसी वो लोग देखते हैं, तो आप एक बताइए कितने एप्लीकेशन है पहले, सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के 5 या 6 सारी सारी सबके बैकएंड मिरर सर्वर चाइना के अंदर है, भले आप वेबएक्स लीजिए, आप जूम को लीजिए, आप सिस्को को लीजिए, किसी को भी लीजिए, सबका मिरर इमेज चाइना, नॉट बिकॉज इट इज बेस्ड इन चाइना, बिकॉज ऑफ द बाउंड्रीज,
एशियन बाउंड्री लगती है उसको इसकी वजह से, तो ये चाइनीज ऐप नहीं हुई, वो लोगों को लगता है वो चाइनीज ऐप हो गई है, कंट्रोल है। जैसे हमारे इंडिया के ऊपर भी सैटेलाइट्स है, इंडिया सर्व इंडिया ज्यूरिसडिक्शन भी यूज करते हैं वो लोग, तो इंडिया की मालकियत नहीं हुई। तो जूम का कोई भी ये गलत मिस इंफॉर्मेशन फैलाया गया मीडिया की तरफ से कि जूम का डेटा प्राइवेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कंसिडर करता हूं अगर होस्ट कंट्रोल रखे, जैसे अभी आपने कंट्रोल रखा है सबका स्पीकर बंद, मतलब बंद, किसी को भी फेक एंट्री को अंदर एंट्री नहीं है उसको बाहर वेटिंग रूम में खड़ा कर दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। करेक्ट है। तो ये जो लोगों में मिसकॉन्सेप्शन फैला है जूम के लिए, वो थोड़ा सा क्लियर हो गया कि भाई जूम कोई ऐसा चाइनीज ऐप या चाइना वाले हमारा फोन हैक कर लेंगे या चाइना से हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो फोन से ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या अमेरिका का अगर रहेगा तो वो बहुत सेफ है हमारे लिए, वो लोग हमारे बहुत दोस्त हैं, या रशिया वाले बहुत दोस्त और चाइना ही दुश्मन है। तो ये गलत लोगों के मन में धारणा है कि जूम का बायकॉट करो, जूम का बायकॉट करो। एक्चुअल में कोई भी ऐप है उसके बैकिंग में जो बैठा है वो सब कुछ हमारा देख रहा है, वो सब कुछ हमारे बारे में जान रहा है। एक छोटा सा ये लिंक्डइन का जो आपने बताया, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा क्लियर करिए। कोई हमारे हैं जो व्यूअर वो पूछना चाह रहे हैं कि लिंक्डइन का थोड़ा सा आप डिटेल बताइए। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग पोर्टल है, जैसे फेसबुक है वैसे लिंक्डइन है। अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे ना, आपको रतन टाटा, मिस्टर मुकेश अंबानी, ये सारे लोग मिलेंगे उसके ऊपर, और ये पूरा प्रोफेशनल है। इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग। लेकिन उसके अंदर कोई भी, जैसे अगर आपने कोई ऑब्सीन मटेरियल अपलोड किया, इमीडिएटली लिंक्डइन खुद ही निकाल देगा, आपको कंप्लेंट का मौका ही नहीं मिलेगा। इमीडिएटली उनके फिल्ट्रेशन पर्टिकुलर के ये ऐसा इमेज, सपोज फॉर एग्जाम्पल इमेज, उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर साइजिंग दिया रहता है कि फॉर एग्जाम्पल 10 KB के ऊपर की अगर पिक्चर किसी ने अपलोड की तो डिलीट कर दी जाएगी, कॉपीराइट वर्जन अगर किसी ने अपलोड किया तो डिलीट कर दिया जाएगा। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस लिंक्डइन का बहुत अच्छा है, और आई सजेस्ट हर बंदा जो प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन है या स्टूडेंट है, दे शुड हैव योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। आपको बहुत अच्छे लोग कनेक्टिविटी में मिलेंगे, उसके अंदर फालतूगिरी नहीं होती है, और पूरा वॉच रखा जाता है उसके ऊपर। जबकि ये भी अगर आप देखो तो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन इसका भी बैकअप सर्वर चाइना में है। चाइना छूट भी सकेगा हमसे। अच्छा, ये साइबर बुलिंग क्या होती है? अभी बुलिंग, अभी ये जब ये वर्ड आता है लोगों को लगता है सिर्फ लड़कियों को परेशानी होती है साइबर बुलिंग। बुलिंग का मीनिंग होता है छेड़खानी, इसके अंदर लड़कों के साथ भी होती है, और स्पेसिफिकली चिल्ड्रन, बच्चों का ये सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब चैटिंग में घुस जाते हैं पर्सनल, तो पहले तो सब कुछ शेयर कर देते हैं, और जब वीक पॉइंट शेयर कर देते हैं तो सामने वाला बंदा या बंदी जो होते हैं वो उस वीक पॉइंट को टारगेट करते हैं, फिर वो हरकतें करवाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। बहुत बार बोलते हैं कि अपना न्यूड वीडियो शूट अप करके भेजो मुझे, नहीं तो मैं आपकी जो चैट्स है वो मैं रिलीज कर दूंगा। प्लस फिर बाद में बोलते हैं एक काम करो, इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर 20,000 रुपए डिपॉजिट करवा दो, एवरी वीक डिपॉजिट करो, नहीं करेंगे मैं ये वीडियो या चैट्स आपके रिलीज कर दूंगा। छेड़खानी, ऑनलाइन छेड़खानी, दैट इज नोन एज साइबर बुलिंग। ओके ओके, तो इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, या हमको बच्चों से या बड़े भी हों तो उनको किस तरह से विश्वास में लेना चाहिए कि भाई कुछ हो तो हमसे शेयर करो, या ये कोई तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा हमको बचपन से बच्चों को थोड़ा सा सिखाना चाहिए? सबसे पहले बच्चों के आप देखिए, पहले तो अगर 14 साल के नीचे तो उसको फेसबुक पे ना लाओ, वो पहले देखिए, क्योंकि एज पर लॉ, एज पर फेसबुक का जो कानून है उसके हिसाब से 14 साल के नीचे के बच्चों को फेसबुक में अकाउंट बनाने की परमिशन नहीं है। तो हम सबसे पहले वही वायलेशन कर रहे हैं, हम क्राइम खुद कर रहे हैं। 5 साल 6 साल के बच्चों के हम प्रोफाइल बनाते हैं, माँ बाप खुद बना के देते हैं गलत डेट ऑफ बर्थ डाल के, तो वही हम क्राइम कर बैठते। सेकेंडली, अगर सपोज बच्चा मैच्योर्ड है, 15 साल के ऊपर का है, तो आप खुद भी उस ग्रुप के अंदर फ्रेंड बनिए, उसको अकेला मत छोड़िए, उस ग्रुप में जाइए, उसका प्रोफाइल कंटिन्यूसली चेक करते रहिए कि कौन उसके ग्रुप के अंदर उसके प्रोफाइल में क्या क्या मैसेजेस पोस्ट कर रहा है, प्लस वो कितनी बार ऑनलाइन है मैसेंजर पे। अगर रात को 1 बजे 2 बजे वो ऑनलाइन हो रहा है फेसबुक मैसेंजर पे, तो इमीडिएटली आप पेरेंट्स को या बड़ी बहन या बड़ा भाई हो, इंटरप्ट करना चाहिए, भैया तू रात को 1 बजे किसके साथ मैसेंजर पे चैट कर रहा है,
बिकॉज वो चैटिंग के लिए ही है, तो वहां पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साइबर क्राइम, अभी साइबर क्राइम में तो बहुत सी चीजें आती है, जैसे अभी आपने बताया साइबर बुलिंग है, फेक प्रोफाइल पेजेस है, देन फाइनेंशियल फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड से पैसा चला गया, डेबिट कार्ड से पैसा चला गया, ऑनलाइन बैंक अकाउंट में से पैसा चला जाता है, और प्लस आपको थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं, आपका इमेज पोर्नोग्राफिक साइट पे चला जाता है, फिर आपको फोन कॉल आते हैं, आपका नंबर शेयर किया जाता है, आगे सर्कुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें साइबर में आती है। अच्छा, तो इसमें सब सजा के प्रावधान है अकॉर्डिंग टू सारे के सारे सजा, मतलब कानून ने इसके ये की हुई है। ओके, और यही पुलिस तक ही हमको कंप्लेन करना होता है? अभी सपोज अगर आपके साथ अगर कुछ क्राइम हुआ है तो सबसे पहले आपको जानकारी दूं, बिकॉज फॉर वुमेन स्पेसिफिकली पोर्टल बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने cybercrime.in, आपको उसके ऊपर जाके रजिस्टर करना, आपको पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। cybercrime.gov.in, उसके अंदर भी अगर आप महिला हो तो आपको पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन से फोन आएगा, पुलिस आपके कंफर्टेबल जगह पे आके आपका स्टेटमेंट लेगी। अगर आप बोलोगे मेरे घर पे आ जाओ, घर पे आएंगी, कैफेटेरिया में बुलाना कैफेटेरिया में आएगी, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है पुलिस स्टेशन में। तो आप ये पोर्टल जो है cybercrime.gov.in, ये सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है इमीडिएटली पोस्ट कर दो उसके ऊपर। ओके, तो ये सब थोड़ा बहुत तो कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और किस रास्ते से हम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो क्यों ना बचपन से जैसा एक सब्जेक्ट होता है योगा पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट होता है मैथ्स पढ़ाते हैं, तो एक सब्जेक्ट ऐसा क्यों नहीं साइबर लॉ पढ़ाया जाना चाहिए बचपन से ही? छोटी छोटी बातें जिस स्टैंडर्ड में हो उस स्टैंडर्ड से चालू करना चाहिए। अभी इस चीज में तो मैं कैसे बताऊं, मैं लॉयर हूं फिर भी हमारे लॉ सिलेबस में अभी तक साइबर क्राइम नहीं है। अरे अरे, तो बहुत दूर की बात है। हाँ, जिस हिसाब से बच्चे आजकल उपयोग कर रहे हैं इंटरनेट का, पढ़ाई के लिए हम लोग करते हैं, शॉपिंग के लिए, आजकल तो फूड ग्रेन भी देखो, वेजिटेबल भी देखो, हर चीज हम ऑनलाइन करने लग गए हैं। अगर मालूम रहे कि भाई पैसा अगर कट गया हमारे फोन से तो हम कहाँ कंप्लेन करें, पैसा वापस कैसे लें, या कोई चीज हमने कैंसिल कर दी और उसका पैसा नहीं आया है तो कहाँ करें, तो ये सब चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो या तो इसकी कोई पुस्तिका हो, पुस्तक जैसी छपे जो सरल भाषा में हो, और या फिर या पढ़ाया ही जाए एक सब्जेक्ट बच्चों को, आपको क्या लगता है? एक्चुअली ये आएगा फ्यूचर में, अभी मेरे हिसाब से तो विद इन अ ईयर और टू, दो साल के अंदर तो ये सब्जेक्ट बन ही जाएगा 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए। अभी दूसरी जानकारी दें, क्योंकि अभी लॉकडाउन में भी हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत इस्तेमाल किया है, अभी भी एट प्रेजेंट मैं सजेस्ट करता हूँ जितना हो सके उतना करेंसी का यूज कम कीजिए, फिजिकल टच, हम कैश करेंसी किसी को दे रहे हैं तो वो कम कीजिए, ऑनलाइन वॉलेट्स के थ्रू आप पेमेंट करते हो, पेटीएम है, गूगल पे है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है, अगर कोई भी वॉलेट आप यूज करो बुरा नहीं है, लेकिन उसको बैंक अकाउंट से लिंक मत कीजिए, और अगर बैंक अकाउंट से लिंक करते हो तो उतना ही बैलेंस रखो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5,000-10,000, उससे ज्यादा मत रखो, क्योंकि अगर सपोज आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे गए, और वापिस एक बार पैसे गए मिलना नामुमकिन होता है, मुश्किल नहीं नामुमकिन। तो ये एक रिक्वेस्ट रहती है, लेकिन लोग सुनते नहीं है, फिर भी करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हमारा पैसा चला गया, उसको ढूंढो, बहुत मुश्किल होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जैसे कोई अनजान ही होता है, अगर हमसे फोन मांगता है कि प्लीज आपका फोन देना है, कॉल करना है, और फिर हम बात में लग जाते हैं, फोन आराम से दे देते हैं, या कभी हमारे नजदीकी दोस्त को दे देते हैं, या हमारा कोई इंस्ट्रक्टर होता है जिम में, अक्सर मैं देखी कि उनका फोन इंस्ट्रक्टर लोग यूज करते रहते हैं और वो अपना कसरत कर रहे हैं, तो ये कितना सेफ है? दूसरे के हाथ में भले ही 5 मिनट के लिए दें, लेकिन दूसरे के हाथ में अपना फोन देना कहाँ तक वाजिब है? जरा भी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 30 सेकंड के लिए भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी प्राइवेसी पूरी चीज, अभी सामने वाला बंदा, अभी मैं आपको बता दूं साइबर क्राइम में जो क्रिमिनल्स होते हैं 90% जाने पहचाने वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, रिलेटिव होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, क्योंकि ईर्ष्या जो है, जलन या गुस्सा, वो इतना भरा हुआ रहता है, फिजिकली वो आपको मार नहीं सकता है, फिजिकली आपको हार्म नहीं कर सकता है, तो साइबर के जरिए करता है, क्योंकि आज हर इंसान के पास मोबाइल है, तो वो आपको किस तरीके, मैं इसमें आपको एक जस्ट लाइव एग्जाम्पल दूंगा। मेरी एक क्लाइंट है पवई में, सी इज अ सिंगल मदर, उसकी फ्रेंड 5 साल बाद उसके घर पे आई, उसका मोबाइल यूज किया, उसी का वाईफाई यूज किया, और उसने अपना ही एक
गलत पिक्चर अपलोड कर दिया उसके मोबाइल के जरिए, और खुद ही एक हफ्ते बाद जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉन्च करती है कि किसी ने मेरा एक पोर्नोग्राफ मतलब मेरा एक न्यूड इमेज अपलोड कर दिया। पुलिस ने जब IMEI ट्रेस किया तो मेरी क्लाइंट का निकला, क्लाइंट को तो पता भी नहीं था कि मेरे मोबाइल के जरिए ये कांड हुआ है। और फिर इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला कि उस लड़की को 5 साल पहले फायरिंग मिली थी बॉस की तरफ से मेरे क्लाइंट की वजह से। इतना गुस्सा कि 5 साल तक उसने दबा के रखा था। तो आप सोचिए क्या गुना किया था, मोबाइल दिया था। रोज कोर्ट कचहरी आती है, कम से कम मेंटल हैरेसमेंट जो हुआ है, और सिंगल मदर को सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। आई विल एडवाइज डोंट गिव अनलेस एंड अनटिल आप खुद उसकी गारंटी ले सकते हो तुम। करेक्ट। तो फिर फोन में ऐसा कुछ लॉकिंग सिस्टम लगा देना चाहिए। अभी लॉकिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। अगर आपने फोन लॉक कर दिया और सपोज कभी खुदा ना करता या ऊपर ना करे कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उस टाइम पे उसको अनलॉक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे हिसाब से तो मोस्टली होता है आप अपने एप्लीकेशंस को लॉक कर दो। फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट्स है उसको पासवर्ड डाल दो, आपके व्हाट्सएप को पासवर्ड डाल दो, जो भी एप्लीकेशन है उसको पासवर्ड डाल दो, बट फोन को लॉक मत करो। क्योंकि जब एप्लीकेशन ही पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे तो वो बंदा जिसके पास भी फोन जाएगा वो करेगा क्या। करेक्ट। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, इससे बहुत धोखे होते हैं। कई बार हम बाहर घूमने जाते हैं तो होटल्स के हमको वाईफाई चाहिए होता है, या कई बार हम लोग एयरपोर्ट पे भी हम अपना फोन चार्ज करते हैं, वहां का वाईफाई यूज करते हैं। तो ये कितना सेफ है, हमको ऐसा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, जरा भी नहीं। अभी हम सब वेल टू डू है। अभी मैं तो बता दूं, लोअर वर्ग के भी लोग जो होते हैं, आज पैकेज मिलता है पूरा 250 रुपए में, पूरे महीने में आपको अनलिमिटेड यूजेज। पब्लिक वाईफाई जितना यूज ना करो उतना एडवाइजेबल, क्योंकि पब्लिक वाईफाई में क्रिमिनल सबसे ज्यादा बैठे हुए रहते हैं। ओके। तो इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या है, कहीं से फोन आता है, आपका OTP दीजिए, आपका KYC खत्म हो गया, आपका आधार कार्ड का नंबर दीजिए। तो ये चीजों में हम को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आधार कार्ड का नंबर बहुत जगह मांगा जाता है। तो सबसे पहले आधार कार्ड का जितना हो सके उतना, कोई भी पिक्चर एक तो पहले सर्कुलेट मत कीजिए। कोई भी पिक्चर आधार कार्ड का फोटोग्राफ मत भेजिए किसी को भी। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आधार कार्ड देना मैंडेटरी नहीं है, बैंक वाले भी अगर आपसे आधार कार्ड मांगेंगे आप रिफ्यूज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ना बोला है कहीं पे भी, जब तक जरूर या तो आधार नंबर दे दो लेकिन उसका फोटोग्राफ कहीं पे भी सर्कुलेट मत करो। हो सकता है वो उसका प्रिंट आउट निकाल के कोई आपके नाम से सिम कार्ड खरीद ले या कोई बैंक अकाउंट खोल दे और क्रिमिनल एक्टिविटी कर दे, इमीडिएटली आप फंस जाओगे। और ये जो अपने फोन से पैसे अचानक गायब हो जाते बिना हमारी जानकारी के, तो ये हमारी क्या गलती होती है उसमें? जैसे मैंने आपको बताया ना, वॉलेट्स सबसे ज्यादा, वॉलेट्स का जिसका बैंक अकाउंट से लिंक किया जाता है वहां पे ज्यादा जाता है। सेकंड, डेबिट कार्ड्स, हम डेबिट कार्ड्स यूज करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है जहां तक अगर क्रेडिट कार्ड्स है आपके पास, यूज द क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में बैंक सिक्योरिटी फीचर्स ज्यादा है। क्योंकि ये बैंक का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है, हमें वो बैंक 30 दिन के लिए यूज करने देती है, तो अपनी सावधानी पूरी तरह से रखते हैं। डेबिट कार्ड में हमारा ही पैसा था, बैंक बोलते इसी का पैसा है, हमें क्या करना है। तो जहां तक हो सके डेबिट कार्ड का यूज कम कीजिए। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी जाते हो, अगर पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, स्पेसिफिकली मैंने देखा है पेट्रोल पंप पे हम इतने आलसी बन जाते हैं कि कार्ड दे देते हैं, उतरते तक नहीं है, देखते तक नहीं है कि वो बंदा क्या स्वाइप कर रहा है, क्या कर रहा है, उसी के सामने हम अपना पिन डाल देते हैं। लापरवाही आप ही को नुकसान करेगी, उसको कुछ नहीं करेगी। तो इसलिए थोड़ा कष्ट करके, आपका पैसा है, हार्ड एंड मनी है वो। हम ऐसे घर में एक एक चीज बचाते हैं, लेडीज है। बटन दबाने से वापस डाला हुआ नंबर वो वापस नहीं आएगा। हाँ जी। और हम लेडीज है, हम इतनी सेविंग्स करते हैं, और ये झटके में अगर ऐसा पैसा चला जाए तो आप सोचिए क्या होगा। बहुत बहुत दुख होता है। सही बात है। और वापस आने के कोई चांसेस नहीं है, आप उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ेंगे तो भी कोई चांसेस नहीं है। आजकल एक और बहुत चला है, टिकटॉक पे वीडियो बनाना, तो ये क्या सेफ है टिकटॉक पे, और ये कैसा होता है? सबसे पहले तो मुझे तो अभी तक टिकटॉक का कुछ समझ में नहीं आया, लोग क्यों ये सब करते हैं। इट इज एंटरटेनमेंट जरिया, लेकिन उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ भी कमेंट्स पास कर देते हैं, रेसिज्म फैल रहा है उसकी वजह से,
कुछ भी कम्युनिटी के बारे में गलत मैसेजेस टिकटॉक के जरिए फैलाया जाता है। अभी चेन्नई हाईकोर्ट ने बीच में टिकटॉक को बैन भी किया था, गुजरात हाईकोर्ट ने भी बैन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापिस उसको स्टार्ट करवा दिया। ये इसके अंदर और कुछ गाइडलाइंस दे दिए उसको, टिकटॉक के अंदर भी उनके जो एडमिन है उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक में अगर किसी ने राम वर्ड यूज कर दिया या अल्लाह वर्ड यूज कर दिया तो वो फिल्ट्रेशन इमीडिएटली, जैसे मैंने आपको बताया व्हाट्सएप से, वो पता चल जाता है कि क्या वर्ड सर्कुलेट हुआ है और फिर वो पकड़ा जा सकता है। बट ये एंटरटेनमेंट है, उसको एंटरटेनमेंट तक ही रखिए, उसको कम्युनलिज्म मत बनाइए। बनाइए, करेक्ट है। और एक प्रश्न आया मदन जी मुथलिया जी की तरफ से कि जूम अगर मान लो नहीं है तो उसकी जगह कोई दूसरा इंडियन ऐप है। इंडियन यूजर्स है, इंडियन ऐप नहीं है। इंडियन ऐप नहीं है, बराबर है। अच्छा, बच्चे लोग इतना ज्यादा पढ़ाई आजकल ऑनलाइन करने लग गए कि मेरे को डर है जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो बच्चे पुस्तक की तरफ वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे? अभी टेक्नोलॉजी हम नहीं कर सकते, पहले तो सबसे पहले पेरेंट्स, देखो हम पानी के बहाव को रोक नहीं सकते, पानी बह रहा है उसको बहने दीजिए, लेकिन अगर वो बाढ़ में कन्वर्ट होने वाला है तो आपकी ड्यूटी है कि उसको कंट्रोल करो। टेक्नोलॉजी जरूरी है आज के तारीख में बच्चों, आज नहीं तो कल वो यूज करने ही वाले हैं। खाली आप देखिए उनके वो कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, क्या वो लोग डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर। जूम में सपोज फॉर एग्जांपल उनके ऑनलाइन स्कूल चल रही है तो इंटरप्ट ना करें बच्चों को, बीच बीच में इंटरप्ट ना करें क्लास अगर चल रहा है तो। टीचर से पहले इंक्वायरी करें कि भाई ये क्लास किस चीज के लिए कंडक्ट की जा रही है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है बच्चे झूठ बोल के दूसरे एप्लीकेशन यूज कर रहे, बोलते क्लास का चालू है, क्लास नहीं होता है। वो फ्रेंड्स के साथ में शुरू हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि क्लास भी तो 5-5 घंटे चलती है ना, तो पेरेंट्स भी कितनी देर उनके साथ बैठ सकते हैं, ज्यादा करके तो पेरेंट्स बैठते हैं। यही चालू होने से पहले टीचर से कंफर्म कीजिए, जैसे पीटीए मीटिंग होती थी पहले, टीचर से कंफर्म कीजिए कि आज की क्लासेस कितने घंटे की है, क्योंकि ये सब प्री प्लान्ड होता है, ये इमीडिएट नहीं होता है। टीचर्स को, स्कूल वाले टीचर्स को शेड्यूल दिया रहता है कि आज सुबह 9:30 से 2 बजे तक की ये 10th स्टैंडर्ड की क्लास होगी, तो आप पहले ही वो जानकारी ले लो। ओके ओके। और पर्सनल फोन मत दो बच्चों को, आपका पर्सनल फोन मत दो। अच्छा, तो फिर उनके लिए अलग फोन रखें? यस, बट स्मार्टफोन्स नहीं, आईफोन लेके मत देना, आप आपके बच्चों को खुद बिगाड़ने वाले हो। फिर बच्चों को ब्लेम नहीं किया जाता है। अच्छा, 10,000-15,000 में अच्छे फोन आते हैं एंड इट इज अफोर्डेबल नाउडेज, वो फोन लेके दो। उनका काम है, तुमको मोबाइल दिया जा रहा है स्कूलिंग के लिए, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। करेक्ट करेक्ट। एक अभी हिप्नोटिज्म का भी बहुत चला है कि ये कैसे ऑनलाइन हिप्नोटिज्म, कई सारे ऐसे गेम भी आते हैं कि आप कंटिन्यूअस मेरी तरफ देखिए, पत्ते को देखिए, जो आपने सोचा वो पत्ता गायब हो जाएगा, तो ये क्या चीज है? अभी मैं आपको रिसेंटली अभी मेरे कोविड का ही केस दे रहा हूँ, अभी लास्ट वीक ही मैंने उसको बेल पे निकाला है। एक आर्किटेक्ट 27 साल का, वो फरवरी से ही वाज ही हैड एनरोल्ड एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत से रिसर्चर्स इधर होंगे वो शुरू हो जाएंगे उस पे जाना। तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके बाबाओं से मिलता था, अलग अलग बाबा होते हैं उनसे मिलता था, वो जो बोलते थे वैसा वो करना शुरू कर दिया। उसकी मेंबरशिप फीस भी भरी है उसने, $27,000 उसने फीस भरी। उसके टेक्निक्स कि आप कैसे स्पिरिचुअल से बातें कर सकते हो, ये सब चीजें करके उसको अभी ये 8 मई को उसको सडनली एक कमांड आ गया रात को 1:30 बजे ऑनलाइन कि तू एक हथियार लेके रोड पे निकल, और वो लेके निकल गया रोड के ऊपर और पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश, आप सबने पढ़ा होगा मरीन ड्राइव पे हुआ ये, हथियार लेके निकल गया विदाउट मास्क और कुछ भी नहीं, और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने पुलिस के ऊपर वार कर दिया, 3 ऑफिसर को इंजर कर दिया उसको। अभी जब वो होश में आया है उसको पता भी नहीं है कि मैं बाहर निकला था, सिक्किल लेके बाहर निकला था, बिकॉज ही वॉज हिप्नोटाइज्ड। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन होती है। प्लस स्पेसिफिकली जेंट्स को मैं ये बताऊ, आप सब अपने जेंट्स को बता दीजिएगा, अगर कोई सुरीली आवाज में फोन करता है तो प्लीज वो सुरीली आवाज एक लेडी की नहीं होती, वो रिकॉर्डर्स होते हैं, वो आपसे 45 सेकेंड 50 सेकेंड एक टाइमर होता है, उस उतना टाइमर तक अगर आपने सुना आप इमीडिएटली आपका ब्रेन हिप्नोटाइज हो जाता है। फिर आप खुद ही ओटीपी शेयर करते हो या जो भी वो बोलती है सामने, और वो ईमेल नहीं होती, दोज आर मशीन्स विच आर टॉकिंग, मशीन्स बोलते हैं।
अरे बाप रे, तो 45 अगर अनवांटेड कॉल्स है प्लीज डिस्कनेक्ट बिफोर 45 सेकंड्स। अच्छा, लेकिन हम क्या रहते हैं, हम मेल वर्जन जो होते हैं ना, अरे अच्छी आवाज है, हाँ बोलिए मैडम, कहाँ से बोल रहे हो, अच्छा हाँ बोलिए, क्या है, वो करते रहते, सामने मैडम होती नहीं है। अरे तो प्लीज ये एक अपने अपने जेंट्स को बता दीजिएगा। ओके ओके, ये जो ट्रू कॉलर में आता है नाम, तो ट्रू कॉलर सेफ है कि नहीं है, ये इसमें सच रहता है कि नहीं रहता है? अगर आप लोग अनपेड वर्जन में हो, फुकट का वापर है, तो इट इज टोटली नॉट एट ऑल सेफ। अच्छा, इसका भी पेड वर्जन है ट्रू कॉलर का। विजय जी का प्रश्न था कि ट्रू कॉलर कितना सही होता है या गलत होता है? नॉट एट ऑल, ट्रू कॉलर आपका बीपी तक नापता है कि आपके आपका ब्लड प्रेशर कितना है, वो भी उसको पता चलता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल में पढ़ा दिया आपने, तो बहुत सारी नई नई जानकारी देके। एक जो होता है वही वायरस हो गया, फोन में वायरस हो गया, भी करोना वायरस से भी ज्यादा बड़ा वायरस है, क्या है, और ये एंटीवायरस क्या होते हैं, थोड़ा वायरस के बारे में समझाइए। अभी वायरस का बहुत फैशन चल गया है। देखिए वायरस ही अभी से नहीं है, जब से बना है सब तब से है। अभी एंटीवायरस है, बहुत जरूरी है, मोबाइल का भी एंटीवायरस उपलब्ध है, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं रहता है उसका, 250-300 रुपए एक साल की कॉस्टिंग होती है। वो आप प्लीज सब लोग इंस्टॉल, फ्री वर्जन में मत जाइए, वो आपको वॉचमैन का काम करता है, वो आपके कोई भी हैकर या अनवांटेड मटेरियल आपके मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, वो इमीडिएटली अलर्ट कर देगा। प्लस टाइमर सेट कर दीजिए, वो टाइमर सेट करता है कि फॉर एग्जाम्पल रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वो आपका इंटरनेट खुद ही बंद कर देगा। तो ये सारी चीजें वो एंटीवायरस करता है। अभी बहुत से एंटीवायरस अवेलेबल है, नॉटन है, कैस्परसी है, आप कोई भी डाउनलोड मतलब ले सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो, अमेज़न से मिलता है, कहीं से भी ले सकते हो। ओके करेक्ट है। आप कोई ऐसी छोटी घटना बताइए जो कि हम लोगों को सबक दे कि भाई ऐसा भी हो सकता है, लेडीज लोगों के लिए जरूरी है। अभी सबसे पहले मैं आपको बताया, अपना आईडी, सबसे पहले आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, आपका ओरिजिनल मोबाइल नंबर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर मत कीजिए। ये सबसे बड़ी एक फर्स्ट रिक्वेस्ट है। सेकेंडली, कोई भी फोटोग्राफ किसी को भी मत भेजिए विदाउट एनी रीजन, और पर्सनल फोटोग्राफ तो प्लीज मत क्लिक कीजिए, ये एक फैंटेसी है, फैंटेसी को प्लीज टेक्नोलॉजी में मिक्सअप मत कीजिएगा, वो मिसयूज होता है, और अगर एक बार वो बाहर की दुनिया में पहुंच गया वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो वो सब चीजें मत कीजिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कपल हनीमून के लिए गए हुए थे, उन लोगों को अपने स्वीट मेमोरीज के लिए उन्होंने अपने पर्सनल फोटोग्राफ वीडियो क्लिक किया, लेकिन मॉर्निंग में वो मोबाइल पानी के अंदर गिर गया। उस लेडी ने हस्बैंड को बोला मेरा मोबाइल मुझे चाहिए, कैसे भी करके रिपेयर करवा के आ जाओ। हस्बैंड ने जाके मार्केट में रिपेयरिंग के लिए दे दिया विदाउट नोइंग कि उसके पर्सनल मोमेंट्स का वीडियो उसके अंदर है, उसको पता भी नहीं चला। 2 दिन बाद जब वो मोबाइल लेने गया तब तक वो वीडियो सर्कुलेट हो चुका था, बाहर इंटरनेट पे स्प्रेड हो चुका था। फाइनल दैट लेडी कमिटेड सुसाइड इन द होटल रूम। अब आप सोचो कितना मतलब क्या वो मजा आ रहा था, क्या ये क्या शौक है। करेक्ट करेक्ट। प्लस आप अगर आप कोई चीज सेव कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मोबाइल के अंदर क्या सेव कर रहे हो। एक रेगुलर हैबिट बनाइए गैलरी को क्लीन करने की। प्लस ऑटो डाउनलोड पे कोई भी चीजें मत रखो, ऑटो डाउनलोड पे कोई भी वायरस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको अगर कोई चीज है, फॉर एग्जांपल ममता जी ने कोई मैसेज भेजा है या कोई पिक्चर भेजा है, पहले आइडेंटिफाई द सेंडर, क्या ममता जी है ना, फिर आप खुद क्लिक करके उसको डाउनलोड कीजिए, ऑटो डाउनलोड बंद कर दो, उसके अंदर फैसिलिटी है। गैलरी को क्लीन करते रहिए, एक तो मेमोरी सेव होगी, प्लस आपको भी जानकारी होगी कि आपके गैलरी में क्या है। ये छोटी छोटी टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है। करेक्ट है, ये सारी जानकारी बहुत उपयोगी है। चलिए हम एक सोशल ब्रेक लेते हैं। हमारे जीवो साउथ मुंबई की तरफ से आपके ऑनर में कुछ उन्होंने किया है, एक वीडियो बनाया है, आइए उनको देखते हैं कि वो आपके लिए क्या बनाया है उन्होंने। जीवो साउथ मुंबई, रेनी हाँ, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। इससे पहले जीवो साउथ मुंबई का एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं। जीवो,
ये छोटी सी पेशकश थी हमारी जीवो साउथ मुंबई की कमेटी की ओर से, आपको परिचय कराना था हमको जीवो से। जीवो के लिए मैं बता दूं कि ये पूज्य मारा साहब जी, मैनाश्री जी मारा साहब का बनाया हुआ एक संगठन है और हम महिलाएं मिलकर के उसमें नारी उत्थान के लिए कार्य करती हैं। तो चलिए प्रश्न उत्तरों का सिलसिला हम आगे जारी रखते हैं। ऋचा जैन की तरफ से क्वेश्चन आया है कि जस्ट डायल ऐप जो है वो कितना सेफ है। हाँ जी कोई भी फ्री की चीज सेफ नहीं होती है। जस्ट डायल में भी अगर आप फ्री एनरोलमेंट में जा रहे हो तो प्लीज आई विल सजेस्ट मत करो, आपका डेटाबेस की कोई गारंटी नहीं है। प्लस अगर आप देखेंगे जस्ट डायल के, अगर आप गूगल पे भी जाएंगे, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पे पंकज बापना टाइप करेंगे, मेरा ऑलरेडी मेरा खुद का अकाउंट किसी ने उसको मॉडिफाई किया है, उसका एड्रेस टेलीफोन नंबर अपना खुद का डाल दिया है। मुझे पता है वो कौन है, बंदा कॉम्पिटिटिव है, मतलब लॉयर है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला ठीक है, बट इट इज सो इजी, क्योंकि फ्री लिस्टिंग वाला है। जस्ट डायल में भी वही फैसिलिटी है, फेक इन्फॉर्मेशन कुछ भी इन्फॉर्मेशन। अगर आप जस्ट डायल में जाना चाहते हो तो पेड वर्जन में जाओ, जहां पे उनकी खुद की मॉनिटरिंग होगी। फ्री में कुछ नहीं करने वाले, वो सिर्फ आपको लिस्टिंग अपलोड कर देंगे बस। ओके तो फ्री की चीजों से बचें और सावधानी रखें। हमारे बीच अल्पा भंसाली है, वो कुछ आपसे पूछना चाह रही है। sure. अल्पा जी। हाँ जी यस अल्पा जी, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। हाँ जी अल्पा जी, आपका म्यूट अनम्यूट करिए। हाँ अल्पा जी आप सुन रहे हैं? या मैम। हाँ जी। हेलो सर, थैंक यू फॉर अ लवली इंफॉर्मेशन। सर मुझे पूछना था, आप जो भी बता रहे हो अभी के, इसके लिए आप पेएबल एप्लीकेशन लीजिए सर, सारे एप्लीकेशन के लिए, जैसे आपने बोल दिया ट्रू कॉलर है या कोई भी एप्लीकेशन है, उसके लिए एक ही पेमेंट रहता है? आप बता रहे हो कि मिनिमम होते हैं, तो सबके लिए एक पेमेंट करने पे पूरा ईयर चलता है, वैसा कोई एक है जो आप मुझे हमें बताए करके सारे ऐप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं? या फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रू कॉलर को भी अगर आप करना चाहते हो तो ट्रू कॉलर में भी ईयरली पैकेज है, उसमें सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज ये तीन पैकेजेस है इसके अंदर, तो आप कोई भी चीज ले सकते हो, ईयरली और मंथली दोनों अवेलेबल है। लेकिन सारे एप्लीकेशंस के अलग पेमेंट्स होते हैं, बिकॉज सब कंपनीज अलग है। ओके देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेटफॉर्म।
और सेकंड सर मुझे ये पूछना था कि जो ये अपना सॉरी फेसबुक है उस पे जो आते अननेसेसरी वीडियोस आते रहते जो हम नहीं चाहते बच्चे देखे या कुछ भी, तो उसको कोई एंगल से ब्लॉक कर सकते हैं या नहीं दिखाई दे वैसा कुछ भी? यस यू कैन, आप आपके सिक्योरिटी फीचर्स में जाके आप उसके अंदर कंटेंट्स के रेडियो बटन होते हैं, आप उधर जाके आप जो कंटेंट आपको व्यूएबल चाहिए उसी पे रेडियो बटन क्लिक कीजिए, सिर्फ वही नोटिफिकेशंस आपको आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। तो वहाँ सर वहाँ पे ऐसे बने हुए रहते हैं कि जैसे मुझे फूड रिलेटेड वीडियो देखने हैं? यस, क्वेश्चंस रेडी है, आपको सिर्फ उसके रेडियो बटन बोलते हैं उसको, आप सिर्फ वो क्लिक कीजिए जो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आशा कुलकर्णी जी हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। ये बहुत अच्छे टीचर हैं, इन्होंने हमको बहुत सारी डिजिटल की क्लासेस कराई हैं। तो आइए आशा जी, क्या पूछ रही है, ये भी एक उत्सुकता का विषय है मेरे लिए। आशा जी नमस्ते। पंकज जी थैंक यू फॉर द सेशन टुडे। मेरे स्टूडेंट्स के बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के, मतलब गलती से पैसे निकल जाते हैं, मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ना तो वो ओटीपी दिया है ना पासवर्ड दिया है, लेकिन स्टिल एक लेडी का स्पेशली 40,000 निकल गया ऑन अमेजोन, और अमेजोन वालों ने उन्होंने कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया उनको। शी डिड एन FIR ऑल्सो, लेकिन उससे भी नहीं हुआ। ऐसे वक्त पे मनी मैटर होता है तो ज्यादा ठगता है हम लोग को, तो हाउ डू यू हैंडल सच थिंग्स? सबसे पहले तो अगर जैसे ही आपको पता चले कि आपका आप विक्टिम बन चुके हो, कोई पैसा गया आपका, भले वो 1 रुपया हो कि 1 करोड़ रुपया हो, आपको इमीडिएटली आपको अपने बैंकर को कांटेक्ट करना है वाया ईमेल, फिजिकल जाके। आई आल्सो नॉट गिविंग एनी रिस्पांस। लिसन टू मी, आई विल शो यू द वे हाउ टू डू इट। सपोज यहां में आपका अकाउंट है और कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया, इमीडिएटली उसके वेबसाइट पे जाइए, उधर कॉन्टेक्ट अस करके एक फंक्शन होता है, आप उधर जाके कंप्लेंट्स में जाके आपका कंप्लेंट डाल दीजिए, अलॉन्ग विद अ प्रूफ, स्क्रीनशॉट लेके अगर SMS अलर्ट आया या कुछ भी, वो प्रूफ अटैच करें। उनको SMS अलर्ट भी नहीं आया, बाद में जब भी ट्रांजैक्शंस देखे तभी मालूम पड़ा उनको। बैंक इज ऑल्सो नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स। नहीं उसके अंदर कैसा है, देयर इज अ लॉ, RBI के गाइडलाइंस है, प्लस IT एक्ट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर भी गाइडलाइंस है कि वेन एवर इट कम्स टू योर नॉलेज, सपोज फॉर एग्जाम्पल आज नॉलेज में आया कि हम 1 महीने बाद नॉलेज में आया, उस दिन से लेके आपको 30 डेज का पीरियड होता है, 3 डेज का पीरियड है इमीडिएटली टू इन्फॉर्म द बैंक, अगर आपने 3 दिन में इन्फॉर्म कर दिया तो आपको 100% पैसा रिफंड है, 7 डेज में करेंगे तो आपको 50% है, और 30 डेज में करेंगे तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आपका पैसा रिफंड है। ये RBI का गाइडलाइंस है और IT एक्ट खुद कहता है। तो इसके लिए लेकिन आपको कनेक्ट करने के लिए बैंकर्स मोस्टली बहुत करते हैं फिजिकली, वो आपको डिस्प्यूट फॉर्म देते नहीं है, पुलिस के पास भेजते हैं FIR कराओ, ये इतना टॉर्चर नहीं करने के लिए आप ऑनलाइन सिर्फ कंप्लेंट डाल दो बैंक को, उनके रजिस्टर्ड ईमेल पे कंप्लेंट डालिए, प्लस उनका डिस्प्यूट फॉर्म डाउनलोड कर दीजिए, हर बैंक के वेबसाइट पे डिस्प्यूट फॉर्म्स है, वो डाउनलोड कीजिए, वो भरिए, बाय कोरियर अपने ब्रांच को भेज दीजिए, अगर वो लोग फिजिकली नहीं लेते हैं तो बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड AD, बाय स्पीड पोस्ट और बाय कोरियर, उसका एक्नॉलेजमेंट रखना भूलिएगा नहीं, वो रख के 3 दिन के टाइम तक आप वेट कीजिए, 4 डे इफ द क्रेडिट इज नॉट देयर देन यू कैन गो टू बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये भी ऑनलाइन है, RBI की वेबसाइट है, ऑनलाइन है, आपको फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। RBI की वेबसाइट में RBI.org पे जाएंगे, ओम्बड्समैन करके कैप्शन है, उधर क्लिक कीजिए, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, और सबसे पहले यहाँ पे किसी लॉयर को अलाउड नहीं है, द विक्टिम हैज टू अपियर पर्सनली ऑनलाइन, आपको 30 डेज के अंदर आपको ऑर्डर आ जाएगा और बैंक आपको पैसा क्रेडिट करके देगी। रेखा मनोज जी है, वो आपसे कुछ पूछना चाह रही है। रेखा जी प्लीज। हेलो। हाँ रेखा जी बोलिए। अच्छा मैं पूछ रही थी कि व्हाट इज सर्विलेंस ऐप, आजकल हम जैसे आरोग्य सेतु डाउनलोड कर सब बोलते हैं कि सर्विलेंस ऐप है, इसको नहीं डाउनलोड करना चाहिए, अपने मोबाइल के डेटा सब चले जाते, तो ऐसा होता है क्या? अभी जैसे सर्विलेंस ऐप है, अभी आप कोई भी कैमरा इंस्टॉल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे ऑफिस में भी कैमरा लगे, मेरे घर में भी कैमराज लगे, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना ही पड़ता है, विदाउट विच आप इसको देख नहीं सकते हो, और 90% ये सारे ऐप्स आउटसाइडर इंडियन ऐप्स नहीं है, सिक्योरिटी फीचर्स तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज आप जैसे ही, क्योंकि ये सर्वर के ऊपर कैप्चर होता है आपका जो भी इमेज होता है, इट इज ऑन सर्वर, तो सिक्योरिटी फीचर्स तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा होता है कि अपने मोबाइल के जितने भी डिटेल्स होती सब चली जाती है? यस, क्योंकि आप ऐप डाउनलोड करते हो तो आप सारी परमिशन तो ऑलरेडी देना ही पड़ता है, तो ये ऐप डाउनलोड होता है।
अच्छा ओके, तो आरोग्य सेतु नहीं करना चाहिए मतलब? नहीं, आरोग्य सेतु तो आई विल सजेस्ट ऑलवेज एवरीवन शुड हैव इट, आई एम आल्सो हैविंग इट, इट इज फॉर योर सेफ्टी, इट इज फॉर योर सेफ्टी एंड इट इज गोइंग टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास अगर हमारा डेटाबेस ऑलरेडी है, और कितना डेटाबेस चाहिए? हमारा हमारा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, हमारा पैन नंबर है, आधार नंबर, सब गवर्नमेंट के पास है, तो उससे ज्यादा हमारा लेंगे क्या वो? यहाँ तक कि हमारे बायोमेट्रिक्स भी उनके पास है। आरोग्य सेतु सेव्स यू फ्रॉम दिस कोविड, मेरा खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, अलर्ट्स आते हैं लोगों को कि योर कनेक्शन, या वो अपन को अलर्ट आते रहते हैं बाहर निकलते तो। सो इट इज नॉट एट ऑल अनसेफ, इट इज अ वेरी गुड ऐप, आई सजेस्ट एवरीवन शुड डाउनलोड इट टिल दिस कोविड गोज अवे। जैसे ये कोविड का राम खत्म हो जाए उसके बाद आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके थैंक यू वेरी मच। एक समीर छेड़ा जी की तरफ से प्रश्न है, क्या क्या मोबाइल का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है, और क्या ऐप के कैमरे हमारे फोटो लेता रहता है? यस, ये जैसे अगर मैं बता रहा हूँ, अगर किसी अनवांटेड एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आपने डाउनलोड किया है, सबसे पहले वो परमिशन मांगते हैं आपसे, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपका कैमरा, आपकी गैलरी, सब कुछ एक्सेस करने का वो परमिशन मांगता है, और आप ऑलरेडी परमिशन दे चुके हैं उसको। अगर सपोज किसी हैकर ने या क्रिमिनल ने आपका मोबाइल को क्लोन कर दिया है, वो इमीडिएटली आपका कैमरा माइक्रोफोन ऑन कर देता है, आपको पता भी नहीं रहता कि आपका कैमरा ऑन है, आपका माइक्रोफोन ऑन है, और आपकी सारी कन्वर्जेशन, आपके वीडियोस रिकॉर्ड हो जाते हैं। और ये मोस्टली लैपटॉप्स में ज्यादा होता है, जब लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है वो हमारे सामने ही होता है। और एक चेतना जी की तरफ से कुछ क्वेश्चन है, चेतना जी मैं आपसे अनुरोध करूंगी, बोलिए आपका क्वेश्चन। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी, कुछ समय पहले मेरे हस्बैंड के साथ, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है चेतना जी। कुछ समय पहले, मतलब 2 मंथ्स पहले मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा ही हुआ, केवाईसी मांगी थी, मतलब पेटीएम के लिए हमने केवाईसी किया, तो उनके यहाँ से कॉल आया था, तो जब मेरे हस्बैंड ने उठाया तो जैसे जैसे उन्होंने जैसे बोला वैसे उन्होंने किया, लेकिन उनको माइंड में नहीं रहा कि ये ओटीपी मांग रहे हैं, ऐसे बोला कि एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उन्होंने कर ली, एक्चुअली वो टीम व्यूअर थी, उनको मालूम नहीं चला। तो जैसे ही वो डाउनलोड हुई तो अकाउंट में से एक बार पैसे निकल गए, तो उन्होंने देखा भी थी कि मेरे अकाउंट्स में पैसे जा रहे हैं, तो तब तक उन्होंने मतलब उनको बातों में उलझाए रखा कि नहीं आप ऐसे करते रहो ऐसे करते रहो, ऐसे 3 बार अकाउंट्स में से पैसे निकाल लिए। तो हमने कंप्लेंट्स भी की क्राइम्स इसमें साइबर क्राइम में, बैंक से भी, लेकिन बैंक अप्रूव नहीं कर रहा है कि कुछ भी, मतलब वो हमें बता नहीं रहे, तो क्या करना चाहिए? डिस्प्यूट फॉर्म भी नहीं। अभी सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, बट आपके केस में बताओ, एनी कंट्री, कोई भी कंट्री, यूएस में भी जाएंगे, नेग्लिजेंस कैन नॉट बी काउंटेड एज अ क्राइम, बिकॉज़ आपने खुद ने एक्सेस दिया, आपने खुद ने ओटीपी शेयर किया, आपने खुद ने आपका मोबाइल का सारा डिटेल्स उनको ये किया है, और प्लस ऐसे भी नहीं है कि आप हिप्नोटाइज थे, यू वर इन कॉन्शियस माइंड। Correct. अगर आप हिप्नोटाइज होते तो एक बायोलॉजिकल होता था साइंटिफिकली कि यू वर नॉट इन कॉन्शियस माइंड एंड द क्राइम हैज हैपेंड, बट यहाँ पे तो आपने खुद ने तिजोरी खोली, घर का दरवाजा खोला, उसको चाय भी पिलाई और उसको रवाना किया, तो दिस इज प्योरली नेग्लिजेंस। चेतना जी आपका ये म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आपका स्पीकर। हाँ जी, तो बिकॉज लॉ डजंट परमिट दैट, इसलिए बैंक हाथ झटक देगी कि आपने खुद ने किया है लेकिन क्राइम हैज हैपेंड, क्राइम हुआ है, इसके लिए एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिब्यूनल है मंत्रालय के अंदर, जो महाराष्ट्र में मंत्रालय में, वहां पे आप एक पेटिशन फाइल कर सकते हो कि मुझे, मेरे साथ चीटिंग होके ये हुआ है, क्योंकि आपको चीट किया गया था, आपको बातों में उलझाया गया था, जिसकी वजह से मैंने ये किया है, मैंने, मेरे कॉन्शियस माइंड में नहीं था मैं उस टाइम पे, उसकी बातों में मैं आ गया था, तो ये आप वहां पे पेटिशन फाइल करके आपका पैसा रिकवर करवा सकते हो। ओके थैंक यू सो मच। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है रेनी सुराना की तरफ से, इंस्टाग्राम कितना सेफ है? मैं आपको बताया ना, सब कुछ सेफ है जब तक आप खुद अनसेफ ना हो। करेक्ट करेक्ट है। डोंट शेयर एनी पर्सनल थिंग्स सबसे पहले, एंड डोंट ऐड एनी अनवांटेड पीपल, जब तक आप नहीं जानते हो मत ऐड कीजिए। हाँ जी हाँ जी। जया मुनोज जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। जया मुनोज जी कुछ पूछना चाह रही है। हाँ हेलो। हाँ जी जी। हाँ मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल जो अकाउंट अपना बैंक अकाउंट है, अभी सब ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं, जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन भी हो जाते हैं, मनी ट्रांजेक्शन, वो कुछ भी, मतलब हवाला हो या बड़ा बड़ा लेन देन हो बिजनेस का, तो वो ऑनलाइन क्या
कितना शेप है उसमें? मैंने आपको क्या बताया, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अ बून, वो एक हमारे एक आशीर्वाद है हमारे ऊपर, लेकिन अगर हमने उसके कुछ प्रिकॉशंस नहीं रखे, जैसे कोविड में, कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन हमें प्रिकॉशन रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन करना है, वैसे ही ऑनलाइन बैंकिंग भी अगर आप करते हो, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपका सबसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड कहीं पे भी लिख के नहीं रखना है कि पब्लिक को एक्सेस मिले। सेकेंडली, आपका अकाउंट दिन में एक बार आपको एंट्री करना है और चेक करना है। Once in a day, you should enter into your account for 10 seconds also. Because कह रहे थे, जो hackers होते हैं, वो आपका log reports देखते हैं कि ये account कितने दिनों से खुला नहीं है, इस account में कितने दिनों से हरकतें नहीं हुई है, and then they target. लेकिन अगर आप daily उसको अगर activate करते रहोगे, तो hacker will not take the initiative to enter into your account. Thirdly, keep a monitoring on your balance. आप बैलेंस अपग्रेड करते रहिए कि भाई आज सपोज 10 लाख रुपया था, सडनली कल 8 लाख हो गया, तो 2 लाख आपने दिया है कि नहीं, आप चेक करते रहिए। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद अगर आप देखेंगे, तब तक तो क्रिमिनल उस पैसे को विड्रॉ कर चुका होता है। तो दीज आर प्लस पासवर्ड, रेगुलरली कीप ऑन चेंजिंग योर पासवर्ड, नॉट डेली बट एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ। समझो, हाँ समझो, आरटीजीएस किया या बड़ा कोई भी मनी ट्रांजेक्शन हुआ तो इमिडिएटली पासवर्ड चेंज कर जाना। नहीं, उसको कॉमन मोबाइल के अंदर मत रखिए उस सिम को, जो भी बैंकिंग के लिए फाइनेंशियल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, एक सेपरेट एक छोटा सा हैंडसेट ले लीजिए, 1,500-2,000 वाला, जिसके अंदर कोई इंटरनेट फैसिलिटी, मतलब स्मार्टफोन ना हो, नॉर्मल सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते आप ऐसा, और उसके अंदर ये फैसिलिटी लीजिए, बिकॉज ओटीपी उधर आते हैं और क्रिमिनल्स क्या करते हैं, सिम स्वैपिंग करते हैं, आपका डुप्लीकेट सिम बना के ओटीपी खुद की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और आपका पैसा विड्रॉ कर जाता है। अच्छा, और ये गूगल पे वगैरह जो है वो सब भी मतलब सेफ है क्या? कैसा है आजकल? जैसे मैंने आपको बताया ना, आपके वॉलेट्स को बैंक अकाउंट से जितना कम लिंक करके यूज करोगे उतने आप सेफ रहोगे, और बैंक अकाउंट से लिंक भी, गूगल पे विदाउट बैंक अकाउंट लिंकिंग आपको ऑपरेट करने नहीं देता है, तो जिस अकाउंट को भी आप लिंक करोगे उसके अंदर बैलेंस उतना ही डालिए जितना आपका यूजेज है। आप आपके करंट अकाउंट को तो कभी भी पर्सनल वॉलेट से लिंक मत कीजिएगा। करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट शुड नेवर बी लिंक्ड विद द वॉलेट्स। वैजयंती शाह जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? वैजयंती शाह? हाँ, हेलो सर। हेलो मैम। या हाँ सर, अभी जो आजकल क्या होता है, हम आपको जॉब दे रहे हैं ऐसे फोन पे मैसेज आते हैं और फिर बोलते हैं वो आप इतना पैसा इधर भरो, इतना भरो, वो पैसा भरा जाता है और फिर बाद में क्या करते हैं, करीबन 13-15,000 ऐसे रखते हैं, फिर बाद में वो लोग कुछ मतलब उनका रेस्पॉन्स ही नहीं आता, तो ये क्या चीज है? अभी गूगल पे पेमेंट मांग लेते हैं और भर लेते हैं। नहीं, सबसे पहले तो विजयंती जी, हम नौकरी मांग रहे, हम नौकरी दे नहीं रहे कि हम उनको पैसा दे। सबसे पहले जब हम नौकरी मांग रहे तो हमें सैलरी लेनी है, देनी नहीं है। अगर कोई भी बंदा आपसे सर्विस चार्जेस के नाम से पैसे मांगते हैं तो इमीडिएटली आप उसको पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज सैलरी, बिकॉज आस्किंग ऑफ सैलरी फ्रॉम एन एम्प्लॉय इन द मोड ऑफ सर्विस इज अ क्राइम, इट इज नॉट अलाउड इन इंडिया लेबर एक्ट केस में। तो आप प्लीज किसी भी ये सब इसमें मत आइए कि अच्छी नौकरी दे रहा है, 30,000 रुपए इसको दे दो तो मुझे नौकरी दिलाएगा। लालच अगर आ गई तो ये क्रिमिनल उसी का फायदा उठाते हैं। हाँ, लड़के लोग के साथ वही अभी हो रहा है मतलब सा, और पुलिस कंप्लेन करे तो पुलिस लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं सा। नहीं, आप ही बताइए ना वैजयंती जी, अगर हम खुद क्रिमिनल्स का साथ दे रहे हैं, जब हमें पता है हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पैसा क्यों दे? हम नौकरी मांग रहे, हम थोड़ी कोई नौकरी खरीद रहे, हम पैसा खुद ट्रांसफर करते हैं और आप पुलिस को फिर बाद में बोलते हैं कि उसने एक्शन नहीं लिया। बिकॉज ये साइबर क्रिमिनल्स कोई हमारे बाजू में नहीं बैठे, ये कहीं पे भी बैठे हुए रहते हैं, आउट ऑफ द कंट्री भी मिलते हैं, कोई तंजानिया में मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा, लंदन में मिलेगा, ज्यूरिसडिक्शन भी होता है, पुलिस के भी एक लिमिट्स होती है कहाँ जाके पकड़ेंगे। ओके, तो सर अभी इनका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, अभी अपना पैसा कट रहा है तो कैसे उनके उधर मतलब कौन से अकाउंट में गया, कैसे गया है, इधर इसका कोई रिकॉर्ड? इसमें क्या होता है, देयर आर टाइमर अकाउंट्स व्हिच हैज बीन ओपन। अभी टेक्नोलॉजी इसी हुई है कि ट्रांजेक्शन वाइज बैंक अकाउंट्स खुलते हैं, नॉट इन इंडिया, इन ओवरसीज देयर आर स्मॉल कंट्रीज। फॉर एग्जांपल के बैंक अकाउंट खोलने से पहले लोग पूछते हैं कि कितने दिनों के लिए अकाउंट खोलना है, वो बोलते हैं एक दिन के लिए, तो एक दिन में 10 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया क्रिमिनल्स ने, जैसे ही 10 लाख रुपया ट्रांसफर होता है अकाउंट बंद हो जाता है।
ये सब चीजें वहां पे छोटे छोटे कंट्रीज से ऑपरेट करते हैं ये लोग, और ये सब ऑनलाइन होता है, फिजिकल कोई नहीं जाता है। मीरा रोड में बैठा हुआ इंसान तंजानिया में अकाउंट खोल बैठता है। ओके सर, अभी वही लड़के लोग के साथ वही अभी फ्रॉड हो रहा है, बहुत जॉब के नाम पे बहुत चल रहा है। समझाइए, जॉब में हमें पैसे लेने हैं, देने नहीं है। सही बात है ममता जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन है पंकज जी। बोलिए सुशीला जी। हाँ जी बोलिए सुशीला जी। आजकल बच्चे लोग इतना फोन ले लेते हैं और इतने गेम्स डाउनलोड करते हैं, तो ये इतने ज्यादा ऐप अगर डाउनलोड कर ले बच्चे तो कोई तकलीफ है या इतना करते जाते हैं वो लोग? अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था, टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हम कितना यूजेज करते हैं। अगर गेम्स डाउनलोड करते हैं तो आपको आपके घर में बच्चों के ऊपर एक कम्युनिकेशन बनाना है कि मोबाइल के अंदर अपना पर्सनल मोबाइल मत दो, क्योंकि एक तो वो मेमोरी खाता है, प्लस वो सब फ्री के गेम्स यूज करते हैं। जहां तक हो सके फ्री के गेम्स यूज ना करने दो उनको, क्योंकि गेम्स के थ्रू भी मैलवेयर अटैक्स वायरस अटैक्स होते हैं। तो आपको कंट्रोल करना थोड़ा बच्चों को है, क्योंकि बच्चे तो फिर बाद में मांगेंगे ही वो सब कुछ। नहीं तो ज्यादा गेम डाउनलोड करने से वायरस का ज्यादा क्योंकि फ्री वर्जन में वायरस आता ही है। ऐसा कुछ है कि एप्पल फोन बेहतर है एंड्रॉइड से ज्यादा? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये कि आईफोन में सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा है। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हम द पार्क में रह रहे लोधा के और एक नॉर्मल बिल्डिंग में रह रहे, तो वहाँ पे 10 वॉचमैन है, यहाँ पे 2 वॉचमैन है। तो आईफोन्स के अंदर फायरवॉल्स ज्यादा है जो सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, हैकर्स को इजिली अंदर घुसने नहीं देते, लेकिन वो भी हैक होता है। हाँ जी, आशा कुलकर्णी जी है, आपसे कुछ पूछना चाहती है। आशा जी पूछिए। या सॉरी, मैं अपने स्टूडेंट्स के ही प्रॉब्लम्स बता रही हूँ। एक जन ने अब्रॉड गई थी तो अपना फोन, लोकल फोन यहाँ पे रख के गई थी जहाँ पे अलर्ट्स आते हैं, उनका कार्ड वहाँ पे डुप्लीकेट किया गया था और यूज किया गया था। व्हाट टू डू इन सच सिचुएशंस देन? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डिड द पर्सन कम टू नो दैट शी इज गोइंग अब्रॉड? बिकॉज़ उसने कहीं ना कहीं इंटीमेशन दिया होगा आपके स्टूडेंट ने कि वो अब्रॉड जा रही है और फोन यहीं पे छोड़ के जा रही है। नहीं, चोरी हुआ था, मतलब बैग ये हुआ था। उसने उन्होंने सिम कार्ड ब्लॉक नहीं करवाया इमीडिएटली? करने के वक्त उसके पहले ही वो खत्म हो गए अमाउंट? नहीं नहीं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी फोन चोरी हुआ तो इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स किसी का भी फोन लेके, फॉर एग्जांपल नेबर का है या दोस्त का फोन लेके, उस सर्विस प्रोवाइडर को कॉल सेंटर पे कॉल करके सिम कार्ड ब्लॉक कराया जाता है। लेकिन अब्रॉड थी तो टाइम डिफरेंस वगैरह इसमें, जब तक वो कर पाती तब तक निकल गए थे पैसे। हाँ, तो ये अच्छा केस बनता है। शी कैन फाइल इट बिफोर द बैंकिंग ओम्बडमैन। सॉरी, आई डिडंट गेट योर आंसर। शी कैन फाइल दिस पिटीशन बिफोर द बैंकिंग ओम्बडमैन। लेकिन उसको नहीं मिला पैसा? नहीं नहीं, उन्होंने फाइल किया है कि आरबीआई के, या वहाँ पे वहाँ के पुलिस से ही किया, यहाँ पे ब्लॉक भी किया, यहाँ पे उसने जो उनका पैसा गया है वो आरबीआई की वेबसाइट पे कंप्लेंट डालने को बोल दीजिए उनको। नहीं, वहाँ का लोकल पुलिस पे उसने कंप्लेंट किया था? नहीं नहीं, वहाँ नहीं, सीजन इंडियन ना। या हाँ, तो यहाँ पे rbi.org में जाके कंप्लेंट करने को बोलिए उनको ऑनलाइन। ओके, उनका पैसा आ जाएगा। मुझे लगता है क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे तो टाइम बहुत चला जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सीमा वागला जी का। सीमा जी आप पूछिए। हाँ जी सीमा जी। सीमा जी अनम्यूटेड, और आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, मेरे ख्याल से लेडीज लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और बहुत छोटी छोटी चीज जो हम किसी से पूछ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सब नई चीजें हम लोगों के लिए, हमारे युग की चीज नहीं है। अभी ये तो हर 5 साल में युग बदल रहा है, तो मेरे को तो इसके टर्म्स भी बोलने में भी बड़ी तकलीफ होती, क्या डाउनलोड करो, अपलोड करो, इसमें करो, उसमें करो। तो हमने टीचर लगा रखी थी आशा जी को, तो वही हमको सब सिखाती थी। तो अब जब सीख लिए तो अब हम क्राइम भी समझने लगे हैं कि अरे भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, इसमें ऐसा भी हो सकता है, एडमिन बनेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी और खूब क्लियर माइंड आपने हमारा किया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट क्वेश्चन सीमा जी आप पूछ लीजिए, उसके बाद में फिर हम विदा लेंगे। सीमा जी नहीं है? हाँ जी सीमा जी। ये फेस करके सॉल्व होता है मेरे हिसाब से, ये जो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? आपका आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है।
नहीं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर होता है, या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। जैसे एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर होता है, हाँ, वैसे एक की प्रेस का सॉफ्टवेयर होता है जो सब पेरेंट्स को अपने बच्चों के कंप्यूटर पे लगाने से, अगर कोई भी अब्यूज वर्ड यूज करते हैं, ऐसी साइट है, अपन ने सेक्स वर्ड डाला, एग्जाम्पल एनी वर्ड विच रिफ्लेक्ट टू दैट, सपोज तो भी आता है और ईमेल भी आता है, तो हमने हमारे सब पीसी पे ऑफिस पे या पे लगा रखा है, तो अगर स्टाफ भी कोई यूज करता है तो हमको SMS आते हैं, इवन कोई भी मिसयूज भी होता है, तो दैट इज सॉफ्टवेयर विच वी शुड एजुकेट ऑन, कि अगर किसी के पास वो सॉफ्टवेयर जो आप बात कर रहे हो ना उसको बोलते हैं की लॉगर्स, एक सॉफ्टवेयर आता है की लॉगर्स, कि आप मोस्टली क्रिमिनल्स भी इसका यूज बहुत करते हैं, आप ATM में पैसे विड्रॉ करने जाते हैं या साइबर कैफे में जाते हैं, तो वो की लॉगर्स ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ रहता है, तो आप जो भी बटन प्रेस करते हो वो उनके वर्ड पैड या नोट पैड में वो बटन दिखता है, आप क्या टाइप करते हो उनको पता चल जाता है, तो दिस इज हमारे अंदर, जैसे अपने को डाउट होता है कि बच्चे कंप्यूटर पर बैठते हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने की लॉगर मिला है तो आप आराम से चेक कर सकते हो कि बच्चों की कोई गलत एक्टिविटीज तो नहीं है, बच्चों के लिए सच भी, तो ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इवन हमने जैसे कुछ ऐसे लगता है शाम में किसी पर डाउट है तो उसे इंस्टॉल कर देते हैं, ये अभी लेकिन अगर सपोज बच्चे को कल पता चल गया कि आपने की लॉगर सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उसके बाद वो करेगा ही नहीं, वो डिसेबल कर देगा उसको, क्या बोल रहे हो तू, डाल मैं पात वो इमीडिएटली उसको डिसेबल कर देगा, फिर टाइप करेगा। दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, एक टेंपरेरी सॉल्यूशन है, हमारा फोन, ये कैसे पता करेंगे, हैकर्स का कैसे पता करें? हाँ, सबसे पहले तो एंटीवायरस पहले तो आपके फोन में डाल दीजिए, कि अगर कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी अगर आपके फोन में होती है तो इमीडिएटली अलर्ट आ जाता है आपको। सेकेंडली, आपको आपके गैलरीज में जाके पहले चेक करना है कि आपके, फॉर एग्जाम्पल आज रात को आपने सब गैलरी चेक कर दिया, मेमोरी में है कि ये सब इमेजेस है, मॉर्निंग में वापस अगर आप चेक करते हो और कुछ अनवांटेड मैसेज, सॉरी अनवांटेड इमेज अगर उसके अंदर दिखा, तो इमीजिएटली समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपका फोन एक्सेस हो रहा है किसी से। मोस्टली वाईफाई को आप ऑफ करके रखिए जब आप यूज नहीं करते हो, वाईफाई और मोबाइल डेटा, और प्लस एप्लीकेशंस में आप सेटिंग्स में जाके एप्लीकेशंस में देखिए टाइमर, कौन सी एप्लीकेशन मोबाइल की बैटरी कितनी यूज कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि मैंने रात को मोबाइल स्विच ऑफ किया था या बंद रखा था, उसके बावजूद भी एप्लीकेशन बैकएंड में चल रही थी, इसका मतलब कोई थर्ड पर्सन आपका मोबाइल यूज कर रहा था उस टाइम पे, तो उस एप्लीकेशन को इमीडिएटली कीजिए और फॉर्मेट कर दीजिए फोन को। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन गाइड योर सेल्फ। ओके, तो बहुत सारी सावधानियों के साथ। हाँ, करेक्ट है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने बहुत उपयोगी जानकारियां दी, और सही में तो अगर किसी भी चीज में सावधानी रख के आप यूज करते हैं, चाहे वो घर के छोटे मोटे मशीन हो, सामान हो, या फिर इतना बड़ा ये इंटरनेट का जंजाल हो, हर चीज में सावधानी बहुत जरूरी है, और महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें जुड़ी होती महिलाओं के साथ में। तो आपने बहुत ही बढ़िया क्लियर बताया कि क्या चीज हो सकती है, क्या सावधानी रखें, और क्या हम यूज करें या नहीं करें। हम लोग कभी कभी डर के बंद कर देते हैं यूज करना, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि अगर जमाने के साथ नहीं चलेंगे, बच्चों की सोच के साथ नहीं चलेंगे, तो हम भी बहुत पीछे रह जाएंगे। तो बच्चों का साथ देने के लिए हमको ये सब चीजें उपयोग में लेना आना चाहिए, और आप जैसे हमको गाइडेंस देने वाले मिल जाते हैं, और आशा कुलकर्णी मैडम जैसी टीचर मिल जाती है, तो सफर थोड़ा आसान हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।